गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है गुरु नर्सिंग एकेडमी के बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आज बच्चे एग्जाम देके हैं, ठीक शायद ढाई घंटे पहले इन्होंने पेपर दिया था बच्चों ने, और सभी बच्चों की मेहनत मुझे पूरा विश्वास है रंग लाएगी। आपने इतनी अच्छी तैयारी की तो रिजल्ट भी इतना ही शानदार रहेगा। मैं गुरु नर्सिंग एकेडमी की ओर से आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि गुरु नर्सिंग एकेडमी पर बच्चों ने विश्वास किया और ये विश्वास आज उनका और खरा उतर गया, क्योंकि गुरु नर्सिंग एकेडमी में जो पढ़ाया गया था उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया। सारे के सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन वही आए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन गुरु नर्सिंग एकेडमी में जो क्लासरूम में टीचिंग हुई है उससे आए हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि गुरु नर्सिंग एकेडमी से पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे सिलेक्शन लेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, अगर आपकी टीम अच्छी होती है तो बहुत एनर्जी रहती है स्टूडेंट में भी। और गुरु नर्सिंग एकेडमी की टीम ने जो ही पेपर हमें मिला, विद इन आवर इस पेपर का सॉल्यूशन आपके सामने भी पेश करेंगे। तो ये पहला सॉल्यूशन है, किसी ने अब तक नहीं किया। ये गुरु नर्सिंग एकेडमी का कमाल है कि आज आपके सामने जो पेपर हुआ है, आरयूएचएस का, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का पेपर हुआ आज, उस पेपर का सॉल्यूशन आपके सामने होगा, ताकि बच्चे पेपर देके वो भी अपना चेक कर सकते हैं कि मेरी कहां कमी रह गई है या कहां मेरा बेस्ट हुआ है। तो बच्चे, मैं सभी बच्चों से चाहूं कि आप जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए। जितने भी बच्चे मेरे को देख रहे हैं सब लाइव आ जाइए और अपने दोस्तों को बताइए कि आज जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन आज ही होगा, अभी ही होगा। तो मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें, ताकि बच्चों को पता चले जो पेपर हुआ है उसमें उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। दोस्तों, बहुत जल्दी आपके सामने गुरु नर्सिंग एकेडमी की टीम आपके सामने आने वाली है, वो टीम जिन्होंने राजस्थान नहीं जबकि राजस्थान के बाहर भी कमाल करके दिखाया है। राजस्थान के बाहर के बच्चे जो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश के जो बच्चे गुरु नर्सिंग एकेडमी से लाइव पढ़ रहे थे, वो बच्चे भी जयपुर में आके उन्होंने पेपर दिया है। और बहुत बच्चों के कॉल सारे हैं, बच्चे मिलने भी आ रहे हैं कोचिंग में। बहुत शानदार अवसर आज हमारे लिए, गुरु नर्सिंग एकेडमी के लिए, कि आज जो पेपर हो रहा है उसका सॉल्यूशन आपके सामने होगा। और सॉल्यूशन करने वाली वो ही टीम जो आपके सामने यहां क्लासरूम में आपके सामने थी, और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके मोबाइल पर और लैपटॉप से आपके डेली मुलाकात होती, बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हुई। तो ज्यादा इंतजार नहीं करना है और मैं एक एक टीचर का एक बार परिचय कराऊं आप लोगों से, उसके बाद में सबसे पहले सॉल्यूशन होगा वो होगा बायोलॉजी का, उसके बाद में फिजिक्स का और उसके बाद में केमिस्ट्री का, यानी तीनों पेपर का सॉल्यूशन आपके सामने होगा। और मैं बुलाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप घर बैठे वहां बैठे ही ताली बजाकर स्वागत कर सकते हैं बायोलॉजी के आपके बेहतरीन मेंटर, गुरु दोस्त, आपके शिक्षक साथी विकास सर। आइए विकास सर, प्लीज, आपका वेलकम है। बच्चे आपको देख रहे, आप हाथ जोड़ोगे तो भी समझ जाएंगे बच्चे ये विकास सर है जिन्होंने आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया। और बुलाना चाहता हूं फिजिक्स के मास्टरमाइंड, आप सबके चहेते जैसा नाम वैसा काम, रफ्तार के साथ में बुलाना चाहता हूं रफ्तार सर को, रिंकू सर को। रिंकू सर ने जैसा धमाल मचाया, ये वो टीम है जिन्होंने आपको दिन रात मेहनत करके आपके सामने उपस्थित और बेहतरीन तरीके से पढ़ाया। और केमिस्ट्री के मालीराम सर, एमआर सर प्लीज आइए, आइए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एमआर सर केमिस्ट्री के एक टीचर हमारे अभी भी बाकी हैं जो जयपुर में नहीं है, अमित यादव सर, उनसे भी आपकी मुलाकात करें, बट आज नहीं, बाद में कभी। तो आज इन टीचर की रंगत आपको देखी होगी आपने, इनकी मेहनत आपकी ने देखी होगी, इनकी मेहनत का नतीजा है कि आज जो बच्चे गुरु नर्सिंग एकेडमी से पढ़े थे उनके चेहरों की खिलखिलाट मुस्कुराहट हमें यहां पर देखने को मिल रही है। और आप घर पर बैठे क्या मजेदार पेपर आया, और जो आया पढ़ाया उसी में से आया। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें, अगर शेयर नहीं करोगे तो बच्चों को कैसे पता चलेगा कि आज का पेपर का सॉल्यूशन कैसे होगा, क्योंकि ये जोरदार खिलाड़ी हैं, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के दमदार खिलाड़ी हैं, इनसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं सकता। अनुभव से बहुत चीजें सीखी जाती है और इन सभी गुरुजनों को बहुत लंबा अनुभव है, और उस अनुभव का फायदा आज आरयूएचएस के एग्जाम में बच्चों को देखने को मिला। और अब समय आ गया है कि आप एक बार पुनः इन तीनों मेंटर्स के लिए, गुरुजनों के लिए जोरदार ताली बजाएं।
और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जो आज पेपर का सॉल्यूशन होगा वो है बायोलॉजी, आपका चेता सब्जेक्ट, जिसमें मुझे मालूम है आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है। उसके बाद में रफ्तार सर का चेता सब्जेक्ट फिजिक्स, जिसमें भी बहुत अच्छा स्कोर किया है। और नेक्स्ट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है। मालीराम सर आपको एक एक करके सॉल्यूशन कराएंगे। तो मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें और शुरू करें आरयूएचएस 2022 का पेपर, जिसका पहला पार्ट बायोलॉजी का सॉल्यूशन करेंगे। आपके सामने विकास सर। विकास सर आपका तहे दिल से स्वागत, आभार। आपने जो रंगत दिखाई है बच्चों को, मैं चाहता हूं एक एक चीज इनको दोबारा समझा दो कि बेटा आपने ये करके आओ और आप बहुत सही करके आए हो। थैंक यू दोस्तों। हेलो बेटा, गुड इवनिंग सभी को। गुरु नर्सिंग परिवार में मैं विकास कुमार, आप सभी मुझे जानते ही होंगे। हम लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, लव यू गाइस। सभी बच्चे पहुंच गए हैं, शर्मा जी, लितेश और भाई सारे बच्चे बड़ा बढ़ा रहे हैं। जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं उन सबसे मेरा अनुरोध है, उम्मीद करता हूं कि बायो में इस बार 30+ का वादा किया था हमने और सारे बच्चे 30+ होंगे, क्योंकि अपने नोट्स में से एज ए टीज आया बेटा। जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं उन सबको पता है, जिन्होंने अपनी पढ़ाई की है, जिन्होंने मेरी क्लास रेगुलर ली है, जय हो कर दी है कुछ बच्चों ने। तो बेटा आप सबका प्यार है हमारे लिए, मैंने आपको एक ही बात कही थी, इस परिवार गुरु नर्सिंग परिवार के लिए जो आपने रिस्पेक्ट दिखाई है वो रिस्पेक्ट एक दिन आपको बहुत रंग लाएगी आपके चेहरे की हंसी से। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, ये मेरे अकेले की नहीं बेटा, एक पूरा परिवार, एक पूरी टीम काम करती है। टेक्निकल टीम का भी मैं धन्यवाद दूंगा, हमारे डायरेक्टर सर डॉक्टर घनश्याम बेनीवाल जी, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जिससे बच्चों का बेहतरीन भविष्य तैयार हो रहा है। एक शानदार रिजल्ट के साथ गुरु नर्सिंग परिवार आपके साथ खड़ा है, लव यू बेटा। फटाफट से आगे सब चलो, जो बाकी मेरी टीम है मैं उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने अपनी इस छवि को कायम रखा और बच्चों के दिन में जगह बनाई है। सभी बच्चे फटाफट से शेयर कर दो भाई क्लास को। यस यस यस। चलो, गुरु नर्सिंग एकेडमी परिवार, जो आपका पेपर सॉल्यूशन करवाने जा रहा है, बायोलॉजी का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, कितने बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं सर खुशी बहुत हो रही है, सर आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही ज्यादा, लव यू सर, लव यू बेटा। माया मीना बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। डॉक्टर विष्णु जी कह रहे हैं, मनीष कुमार जी कह रहे हैं लव यू बेटा, लव यू, सबको बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। बहुत अच्छा लगता है आप तरह, आप इस कदर प्यार देते हो, दिल खुश हो जाता है, जी करता है मैं अपना सब कुछ आप पे लुटा दूं। यस गाइस, सो सभी बच्चे तैयार हैं बायोलॉजी का पेपर डिस्कशन करने के लिए? यस, वी आर यू रेडी गाइस? रजनी का, रजनी लव यू बेटा, बिल्कुल मिल जाएगा बेटा। ये गुरु नर्सिंग परिवार आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल है, हमने जो मेहनत की है वो लेके आ चुकी है भाई। चलो, डॉक्टर विष्णु चक्करधारी भी कह रहे हैं, तुषार जी, विक्की, सभी बच्चे पहुंच गए, उम्मीद करता हूं कि आपने सबको बता ही दिया होगा। चलो लेट्स बिगन द गेम, आज का गेम शुरू करते हैं कि जो आरयूएचएस ने पेपर में पूछा था वो सब कुछ अपने यहां से आया और हमने क्या क्या पढ़ा, किस तरह का पेपर आया है, उस चीज के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं बेटा जी। फटाफट से अभी सेशन स्टार्ट होने वाला है, आपके लिए जो पीडीएफ वो स्कैन कर दी गई है, रेडी कर दी गई है। यस बेटा, आपके लिए बिल्कुल रेडी किया हमने, पेपर स्कैन कर दिया ताकि जल्द से जल्द आपको जो क्यूरियोसिटी बनी हुई है, जो लालसा बनी हुई है कि सर मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सा सही हुआ है। टेक्निकल टीम आपके साथ पहुंच चुकी है, आई विल मैनेज। टेक्निकल टीम ने बिल्कुल पेपर आपके सामने खोल दिया बेटा, ये डी सीरीज का पेपर है। जो डी सीरीज इन बच्चों के आई है उनके तो एज इट इज है, बाकी जो बच्चे हैं उन सभी के लिए मैं ये कहूंगा बेटा आप अपना सीरीज मिला लीजिए, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है लेकिन क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन कोई अलग से नहीं है। आपकी स्टडी बहुत शानदार रही है सर, थैंक यू सो मच, लव यू बेटा, आपका प्यार हमारे साथ रहा है, आपने कड़ी मेहनत की है जिसका रिजल्ट है अब हमें देखने को मिला था। मैंने कहा था हम लोग इस बार झंडे गाड़ के आएंगे, क्या यह बात सच हुई? मैंने कहा था बेटा आज जब आरयूएचएस का एग्जाम देके बाहर निकलोगे तो कह दोगे कि गुरु नरसिंह ने ही इस बार झंडा गाड़ दिया है अपना। यस, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
आगे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन आए हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। ये लो जी बायोलॉजी अपना स्टार्ट हो चुका है। यस यस बायोलॉजी स्टार्ट हो चुका है बेटा, अभी हम बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यस ये लो जी स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिख रहे होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। यस डू यू कैन सी दैट, शायद आप देख सकते हैं। ये आपके कुछ केमिस्ट्री के बायो का क्वेश्चन स्टार्ट होता है 67 नंबर क्वेश्चन से। कहां से स्टार्ट हुआ बेटा, 67 नंबर क्वेश्चन से बायोलॉजी स्टार्ट होती है। और बायोलॉजी का पहला ही क्वेश्चन बड़ा प्यारा और सिंपल, जो हम एग्जाम में करवा चुके हैं अपनी क्लास में, निषेचन के समय एक विशिष्ट द्विबीजपत्री पादप की मादा युग्मकोद्भिद बोले तो भ्रूण कोष एम्ब्रियो से होती है। सभी बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं बेटा कि एम्ब्रियो से कुछ ऐसा दिखाई देता है, उसमें तीन सेल ये होती है सर, ये सेल्स एंटीपोडल सेल कहलाती है सर, ये सेल सर ध्रुवीयकाय पोलर बॉडी कहलाती है सर, ये दो सेल हैं जिन्हें अपन लोग सिनर्जिड या सहायक सेल कहते हैं, सिनर्जिड सेल पोलर बॉडी, पोलर बॉडी, और इन्हें कहा जाता है एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। अब देखिए बेटा यहां एक और इंपॉर्टेंट सेल आती है हमारी दुल्हनिया, ये रही हमारी दुल्हनिया भाई, एक सेल रही, ये एक सेल है, इस पूरे को एग अपैरेटस बोलते हैं, ये बात बता चुका हूं बेटा मैं आपको। सेल काउंट करते क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि उसमें सेल कितनी होती है, हेड सेल, सेवन सेल, सिक्स सेल, फाइव सेल, काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सर 7 सेल्स होती है, सो करेक्ट आंसर इज 7 सेल स्टेज। इसका सही जवाब क्या रहने वाला है बेटा, 7 सेल स्टेज रहने वाला है, बिल्कुल रहने वाला है बेटा, इसका सही जवाब आपने दे दिया है। चलो आगे वाले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं बेटा। स्वान पुष्प स्नैपड्रैगन, स्वान पुष्प की बात करेंगे हम लोग, स्वान पुष्प की बात करें या स्नैपड्रैगन की बात करें, तो मैंने आपको बताया था बेटा इसमें एक रेड और एक व्हाइट फ्लोवर लेते हैं, जिससे जो हमें F1 जनरेशन मिलता है वो कैसा मिलता है सर, पिंकी वाला, पिंक पिंक मिलता है सर, कैसा मिल रहा है, पिंक मिल रहा है। ये क्यों मिल रहा है सर पिंक, ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि कैपिटल R स्मॉल R को पूर्णतः दबा नहीं पा रहा है। इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं अपूर्ण प्रभाविकता। क्या बोलेंगे बच्चों, अपूर्ण प्रभाविकता। सो करेक्ट आंसर इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लोवर कलर इन एंट्रियम डॉग फ्लॉर्स इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यस बच्चों सही जवाब रहा सबका, यस यस सही जवाब रहा, दो क्वेश्चन किए दोनों सही लग रहे हैं मुझे, मुझे विश्वास है मेरे बच्चों ने सही क्वेश्चनों का, सभी क्वेश्चनों का सही सही जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निषेचन हो गया, देखिए फेलोपियन ट्यूब में आपका ये देखो वो आ गए, देखो वो आ गए, अंडाणु और शुक्राणु का मिलन निषेचन कहलाता है। निषेचन कहां होता है सर, बता चुका हूं एम्पुला में होता है। ये निषेचन होने के बाद में जो सेल बन के आती है उस सेल को हम लोग बोलते हैं बेटा जाइगोट। क्या बोलेंगे बेटा जी, जाइगोट बोलेंगे। ये जाइगोट एम्पुला से यूट्रस के अंदर जाके चिपकता है, जिसे रोपण कहते हैं। ये रोपण होने में कितना वक्त लगता है सर, 7 डेज का टाइम लगता है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि भाई ये जो जेनेसिस होता है जिसमें एक बड़ी सेल एक पोलर बॉडी बनती है, तो मैंने आपको बताया था, आपने मैंने कहा था बेटा ये एक सेल बड़ी एक छोटी क्यों बन रही है, क्योंकि उस अंडे को 7 दिन पोषण कौन देगा, 7 दिन बाद में यूट्रस दे देगा, 7 दिन से पहले वो ओवरी से ले रहा था, लेकिन इन 7 दिनों में पोषण कौन देगा, वो एग खुद लेके चलता है अपना खाना पीना, इसलिए मैंने कहा था बेटा वही 7 दिन है। ये क्या कह रहा है, निषेचन के बाद अंतर रोपण कर दो सर, इम्प्लांटेशन कर दो, कितना टाइम लगेगा इस काम को होने में, 7 डेज। ऑल क्लियर, 7 डेज। इसका सही जवाब क्या होने वाला है, 7 डेज होने वाला है। क्लास में मजा आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि सर ने बहुत अच्छी मेहनत कराई, सारे क्वेश्चन हमारे नोट से आ रहे हैं, तो जरूर मुझे बताइए। ये नाम मैं बहुत बार उठवाता था आपसे, मैं कहता था नीला कुरंजी मत याद करो, बहुत सिंपल है याद हो जाएगा, एग्जामिनर लिख के देगा स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। वादियां दिखाई थी, कहा था हर बच्चे को कि हनीमून पे यहीं जाना, क्योंकि ये कर्नाटक केरल और तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स पे पाया जाता है, वहां इतना खूबसूरत नजारा होता है कि मजा आ जाएगा भाई। लेकिन वहां पर फ्लोवरिंग
कितने सालों से होती है इन पुष्प में? तो आप बोलोगे सर 12 वर्षों में एक बार होती है। कितने वर्षों में? 12 वर्षों में एक बार होती है। तड़प ज्यादा हो रही है क्या रोहन? सब कुछ करवाया जाएगा, चिंता मत कीजिए। अब तो एग्जाम दे ली है, पेपर आराम से डिस्कस करेंगे ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ही ना रहे कि भाई ये क्वेश्चन मेरा सर नहीं हुआ। अभी तक मुझे विश्वास है एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अपने नोटबुक से नहीं आया है। सभी बच्चों को ये बात क्लियरली पता ही है। खैर आगे बढ़ते हैं अगली तरफ और देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमें। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, पहला क्वेश्चन 71 यौन संचरित। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यौन संचरित डिजीज कौन सी है? एसटीडी कौन सी है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी है? यह है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। याद करो सारी की सारी लिखाई हुई है। कौन कौन सी है सर? आपको मैंने बताया था बेटा, गोनेरिया है, सिफिलिस है, जेनाइटल वॉर्ड्स है, ट्राइकोमोनासियस है। ये सारी कौन सी डिजीज है बेटा? एसटीडीज है। देख लो इनमें से कोई मिला? बिल्कुल मिल गया सर, गोनेरिया। तो गोनेरिया इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है? गोनेरिया होने वाला है। दीक्षा प्रजापत कह रही है सर मेरे 32 क्वेश्चन सही है। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, आपने इतनी अच्छी मेहनत की है, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं सर। दो विषम युग्मन जी लंबे मटर के पौधे। विषम युग्मन जी क्या होता है? बता चुका हूं, कैपिटल टी और स्मॉल टी विषम युग्मन जी है। इनके बीच में क्रॉस करवाया था, याद करो वो पल जब मैं आपको पढ़ा के ऐसा बॉक्स बना के कहता था कि लल्लो ये देख लो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। और देखो कैपिटल टी स्मॉल टी। मैंने कहा था इसका फिनोटाइप क्या आएगा? 1:2:1 सर, एक प्योर लंबा, दो आएंगे, सॉरी फिनोटाइप आएगा 3:1। कितना आएगा बेटा? 3:1 आएगा। मैंने आपको बता दिया था बेटा कि 3:1 इसका फिनोटाइप होता है, 1:2:1 इसका जीनोटाइप होता है। फिनोटाइप मतलब बाहर से देखने पर। ये यही तो कह रहा है कि वॉट इज द प्रोबेबिलिटी टू प्रोड्यूस ड्वार्फ ऑफस्प्रिंग, छोटकू कितना पैदा होगा? बता चुका हूं बेटा, 4 में से एक छोटकू है, इसीलिए 3:1 आया। 3 लंबे हैं सर, तो 75% क्या है? टोल। और छोटकू कितना परसेंट है? 25%। सो 25% इज द करेक्ट आंसर। ये मेरे पढ़ाए हुए बच्चे का पेपर है जो उस बच्चे ने दिया है। उस बच्चे ने इस ये अपने आंसर टिक किए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि उसके सारे क्वेश्चन अभी तक सही जा रहे हैं, वेरी गुड बेटा। ओके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मानव महिला किस उम्र के आसपास रजोनिवर्ती करती है? व्हाट इज रजोनिवर्ती? मीनोपॉज। आप बोलोगे सर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाए? बंद हो जाए। किस उम्र में होता है? 45 से 50 साल की उम्र के बाद। इसीलिए कहते हैं आदमी कभी बुढ़ा नहीं होता है, महिलाएं बच्चे पैदा नहीं कर सकती, जबकि आदमी किसी भी उम्र में कर सकता है। बताई थी मैंने ये बात आपको। हालांकि स्पर्म काउंट कम हो जाता है बेटा बाद में, लेकिन फिर भी आपको ये कहूंगा बेटा मेनोपोज इस अवस्था में आता है। अगली बार पूछ सकता है मेनार्की कब आता है सर? मेनार्की आता है बेटा 12 से 13 साल की उम्र में, जब मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन आपके लिए तैयार है बेटा, 74th क्वेश्चन बोनस में रहेगा क्योंकि इसका आंसर सही नहीं है। कैसे सर? ये देखो एक तितली कोशिका, अगर मियोसिस हो गया तो वो सेल कभी भी 2n नहीं रहेगी बेटा। 2n गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 360 बोल रहा है। अगर 2n 360 है, या तो मियोसिस नहीं होगा या ये 2n नहीं होगा। ये तो कंफर्म हो गया सर, अगर मियोसिस किया है तो इसको n करना पड़ेगा, और अगर ये 2n है तो ये अर्धसूत्री नहीं समसूत्री कोशिका होगी। कौन सी होगी? समसूत्री कोशिका होगी। सो इस क्वेश्चन में एरर है बेटा, इसका आंसर बोनस के रूप में आपको मिलना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। 180 इसमें 180 जैसा कोई ऑप्शन ही नहीं देखने को मिलेगा आपको। और आप मुझे एक चीज बताइए, युग्मकों का निर्माण गुणसूत्रों, युग्मकों का निर्माण सूत्री विभाजन द्वारा होता है। हर सूत्री विभाजन कहां होता है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बेटा, जर्म सेल्स में होता है। हर सूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। बायो में सारे ही सही है रोहन शर्मा के, वेरी गुड बेटा।
आप बोलोगे सर युग्मकों का निर्माण है सूत्री विभाजन द्वारा होता है बेटा, सूत्री विभाजन पहले ही कर चुकी है कोशिका। अगर युग्मकों का निर्माण सूत्री विभाजन द्वारा होता है, कोशिका ने सूत्री विभाजन कर लिया, फिर भी ये 2n है, मैंने मान लिया 2n है, एग्री करता हूं मैं 2n है, तो इस 2n में आप अगर n कन्वर्ट करते हो भाई टू युग्मक बनाने के लिए, फिर अर्धसूत्री विभाजन करो, अगर n में कन्वर्ट करते हो तो ये नंबर हाफ हो जाता है बेटा, और हाफ का मतलब होता है 180 भी इसमें ऑप्शन में नहीं है। अगर एग्जामिनर इसको सराउंडिंग में लेता है तो इसका आंसर आएगा 190 जो इसमें दिया हुआ है। बिल्कुल दीक्षा, जहां तक मुझे लगता है इस क्वेश्चन में आपको मिलना चाहिए बोनस, क्योंकि अगर एग्जामिनर इसको मियोसिस भी करेगा तो भी 180 होना चाहिए, यहां ऑप्शन में 190 दिया हुआ है। अब अप्रोक्सीमेट नहीं होता बेटा, क्रोमोसोम्स जो हैं वो आधे का मतलब आधा ही होता है, ऐसा नहीं है 10 ऊपर चला गया 10 नीचे चला गया, ऐसा नहीं होता है। सो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में आपको बोनस मिलना चाहिए, यह आपका हक है जो आपको छीन के लेना है। चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। एंडोस्पर्म किसे पोषण प्रदान करता है? एंडोस्पर्म नरिश्ड बाय, एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण प्रदान किया जाता है या एंडोस्पर्म किसको देता है? मैंने आपको बताया था बेटा कि ये हमारा जो सेंट्रल न्यूक्लियाई है इनके पास वो बुआजी फूफाजी वाली कहानी है, बीच में दूल्हे राजा दूल्हे का भाई बैठ गया है, तो मैंने बोला था ये ट्रिपल कंडीशन हो जाती है, कौन सी कंडीशन हो गई 3n। फिर सर यहां माइटोसिस होता है और यहां बहुत सारी सेल्स बन जाती है, तो उस कंडीशन में आपको फ्री न्यूक्लियाई अवेलेबल होते हैं, वो किसको पोषण प्रदान करते हैं? भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं। जिस सारे क्वेश्चन अभी तक मुझे इसके सही नजर आ रहे हैं इस बच्चे के, जिस बच्चे ने मुझे ये पेपर प्रोवाइड करवाया था। खैर आगे चलते हैं और अगले वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन कह रहा है परागनिषेचन सुनिश्चित करने के लिए नर और मादा फूल अलग अलग पौधों पर मौजूद होते हैं, मींस मेल और फीमेल जो हैं वो अलग अलग प्लांट पे होंगे, तभी तो बेटा क्रॉस पोलिनेशन होगा, अगर एक प्लांट पे होंगे तो सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर इस कंडीशन में एग्जाम्पल क्या रहेगा, पपीता आम या मक्का? तो मैं आपको जवाब दूंगा बेटा, इसका जवाब रहने वाला पपाया। क्या रहने वाला है? पपाया, क्योंकि पपाया में या तो मेल होगा या क्या होगा, फीमेल होगा, या एक्सटिंक्टली अलग होते हैं बेटा, एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। सो स्वीट वाली की बात क्लियर हो गई सर, ये देखो देखते हैं पपीता इसका सही जवाब रहा है। अगला बहुत ही प्यारा सा और सिंपल सा क्वेश्चन, मेंडल द्वारा मटर के पौधे में कितने जोड़ी, मैंने बोला था क्लास में पेपर डिस्कशन में भी बोला था, जोड़ी बोले तो 7, जोड़ी बोले तो 7, और अगर लक्षण बोले तो 14। ये घुमाया नहीं है, सिंपल क्वेश्चन दे दिया, इसलिए आंसर इसका सीधा रह गया। क्या आंसर रहेगा? 7 रहेगा सर। कितना रहेगा? 7 रहेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल 28 क्वेश्चन एक बच्चे ने कहा है मेरे सही है, एक 30 बता रहा है। चलो देखते हैं आगे क्या जवाब रहने वाला है, जो भी बच्चे इस पेपर को देख रहे हैं। अगला है बेटा एड्स का संचरण सामान्य साधन है, द कॉमन मीन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। बेटा किसी से भी हो सकता है एड्स, एड्स आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स से हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बहुत इजीली हो जाता है, प्लेसेंटा द्वारा फीटस मदर से फीटस में इजीली जा सकता है। सो इसका आंसर होने वाला है ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? ऑल ऑफ दीज। रफ्तार सर के रोमियो के भी 30 नंबर आ गए हैं भाई, और स्वीट पैलेस के हैं वो भी कह रहे हैं मेरे 30 सही है। महिमा आ गए सर। चलो आगे देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपके लिए, 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओकेजनली ए सिंगल जीन मे एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, द फिनोमिना इज कॉल्ड प्लियोट्रोपी। एक कभी कभी एक जीन से अधिक प्रभाव व्यक्त हो सकते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, बहुप्रभाविकता। एग्जाम्पल भी बताया था आपको फिनाइल कीटोन्यूरिया, क्या बताया था, फिनाइल कीटोन्यूरिया। सारी बातें क्लास में डिस्कस हो चुकी है बेटा जी। चलो मुझे खुशी है कि आप सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ करते जा रहे हो और चेहरे पे स्माइल आपके बढ़ती जा रही है, ये स्माइल यूं ही करे, भगवान करे आपकी बनी रहे और हम यूं ही आगे बढ़ते रहे। चलो बेटा 81 नंबर क्वेश्चन पे आपको लेके जा रहा हूं, 81 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी
निम्नलिखित में से कौन सी एक पुरुष सहायक ग्रंथि नहीं है? सीधा सीधा लिखाया हुआ है, नर जनन ग्रंथियां। कॉपी के नोट्स में अवेलेबल हो जाएगा बेटा आपको, तो मैंने आपको उसमें लिखवा रखा है शुक्राशय सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय लिखवा रखा है। मैं एक चार्ट बनवाया, उस चार्ट में क्लियरली लिखा हुआ है शुक्राशय प्रोस्टेट नर्व है, यह भी होता है, यह भी होता है और यह भी होता है, जिसे आप इंग्लिश में मैंने लिखवाया था बेटा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। क्या लिखवाया था? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसे काउपर ग्लैंड भी कहा जाता है। एम्पुला इज द पार्ट ऑफ फीमेल रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये मादा जनन तंत्र का भाग है। बी इसका सही जवाब होने वाला है, एम्पुला इसका सही जवाब होने वाला है। चलो, निम्नलिखित में से फूल वाले पौधे में निषेचन की बाद की घटनाएं, निषेचन के बाद क्या होता है? कुछ नहीं सर, फूल का गठन नहीं होता है महापुरुषों, ना पराग कणों का निर्माण होता है, ना ही पराग कणों का स्थानांतरण होता है, क्योंकि ये सब पहले होगा, इसके बाद में निषेचन के बाद कौन बनेगा बेटा? एम्ब्रियो डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट वाला काम होगा, इसका आंसर बी रहने वाला है। बात क्लियर हुई आपको? इसका सही जवाब क्या रहने वाला है? बी रहने वाला है। वेरी गुड बेटा, राजेंद्र कुमार को बहुत खुशी हो रही है हमारे साथ जुड़कर। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्षण के कामकाज के लिए, भाई वर्षण काम धंधा कब करेगा? मैंने क्या कहा था, वर्षण उदर गुहा से बाहर की ओर पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है सर। किस लिए ज्यादा है? आप बोलोगे सर शुक्र जनन के लिए ज्यादा है। किसके लिए ज्यादा है? शुक्र जनन के लिए ज्यादा है। इसका मतलब शुक्र जनन कितने डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर संपन्न होता है? बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर यह चीज संभव होती है। वेरी गुड, काफी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू गाइज, यू आर सो अमेजिंग। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं, वर्षण के कामकाज के लिए आवश्यक अंडकोश का तापमान हमारे शरीर के तापमान से कितने तापमान नीचा होता है, कम होता है? टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम विच इज नेसेसरी फॉर फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस इज ऑलवेज अराउंड बिलो द बॉडी टेम्परेचर। सब बच्चे जवाब दे सकते हैं, एग्जैक्टली लाइन लिखी, लिख के दे सकता हूं बेटा, एग्जैक्टली लाइन आपकी कॉपी में लिखी हुई है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है? 2 डिग्री सेल्सियस। क्या रहने वाला है? 2 डिग्री सेल्सियस। सारा पेपर डिस्कस होगा रोहन, चिंता मत कर, सिर्फ तसल्ली रख, आराम से हर एक क्वेश्चन को समझ और सोच तूने कहां गलती कर डाली है, वो गलतियां सुधारनी हमें, इससे हमें पता चलना चाहिए बेटा हमने कितना सही कितना गलत किया है। ए इसका सही जवाब होने वाला बेटा। अगला क्वेश्चन आ गया, बहुभ्रूणता आमतौर पर होती है, इंग्लिश में लिखा बेटा पोली एम्ब्रियोनो कॉमनली अकर्स। जब मैंने पोली एम्ब्रियोनिक को आपको डेफिनेशन लिखवाया, नीचे उदाहरण लिखा हुआ है नींबू वंश या सिट्रस, इसका सही जवाब क्या है? सिट्रस रहने वाला है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चनों को समझते हुए अपने इस दौड़ को जीत को तय कर लेते हैं कि गुरु नरसिंह परिवार का आपका दिल कहेगा कि यार हमारे गुरुजन ने हमें दिल से पढ़ाया है। अब तक सारे सही है, वेरी गुड रोशन, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। यस यस यस, आज हमें ये बता देना है कि आग लग चुकी है। सर आपकी क्लास डेली लगती है क्या? बेटा ये क्लास आज के पेपर की है, जाओ जो हमने पढ़ाया उसमें से 33 क्वेश्चन एज इट इज कॉपी में लिखे हुए हैं। सर 34 क्यों नहीं आए? एक क्वेश्चन ही गलत हो गया भाई, मैं क्या करूं इसका? वादा किया था आपसे बेटा, सिर्फ विश्वास कीजिए, मैं एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस के हिसाब पे मैं इस विश्वास के साथ आपको कहता हूं बेटा, जिन जिन बच्चों ने मुझे प्यार दिया, मेरे नोट्स को 4 बार रगड़ डाला, एक एक क्वेश्चन यूं करके आए हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, साइनोबैक्टीरिया, क्या बोला बेटा जी मैंने? साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। जैव उर्वरक जो मादा की सॉरी मृदा की उर्वरकता बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं सर? नाइट्रोजन फिक्सेशन करके। क्या करके बढ़ाते हैं बेटा जी? नाइट्रोजन फिक्सेशन करके। तो इसका सही जवाब होने वाला वायुमंडलीय नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगला, हे कितना प्यारा क्वेश्चन आ गया है, ट्राइसोमी,
ऐसे कहता था ट्राइसोमी मोनोसोमी नल्ली सोमी आ गया देख लो। हिंदी मीडियम वाले कहते थे सर हिंदी मीडियम में क्या होगा इसका, देख लो हिंदी मीडियम में यही लिखा हुआ है मेरे लाडलो। क्या लिखा हुआ है? ट्राइसोमी, त्रिसूत्रता। त्रिसूत्रता याद करने की जरूरत नहीं थी, ट्राइसोमी से काम बन जा रहा है। 2N+1, मैंने कहा था 21वें जोड़ी गुणसूत्र पर एक गुणसूत्र अतिरिक्त होता है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है बेटा। कई बार ये लिखा हुआ है 21वीं जोड़ी पर सर ट्राइसोमी हो गई है। क्या हो गई? ट्राइसोमी हो गई है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आपका सही जवाब रहा है 2N+1। क्लियर? जवाब सही है बेटा आप सबका? यस सर रेडी, वेरी गुड। आपका डी जवाब रहना चाहिए 2N+1। ये एग्जैक्टली आपकी कॉपी में लिखा हुआ है बेटा जी। जिन जिन बच्चों ने मेरे यहाँ क्लास लेके यहाँ पर रेगुलर पढ़ाई की है उसका अभी तक एक क्वेश्चन भी नहीं आया, जो एक सिंगल क्वेश्चन मार गया हुआ है बेटा। चैलेंज देके कह सकता हूं ये बात, आके देख लेना, बच्चों के नोट्स मिला के देख लेना, गुरु नरसिंह के ऐप पे नोट्स पढ़े जाके देख लेना, एक एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बोस। चलो आगे बढ़ते हैं। क्राई फर्स्ट एबी, क्या बोला? क्राई फर्स्ट एबी, यू डायग्राम बनाया था, क्राई फर्स्ट एबी अलग से लिखा था, कहा था यहां से क्वेश्चन आएगा। देखो अलग से क्वेश्चन आएगा, क्राई फर्स्ट एबी एबी। सर ये क्या है? बताया था मैंने आपको जब बीटी कोटन पढ़ा रहा था तब मैंने कहा था बेटा जी ये दोनों वो जीन है जो क्या करते हैं, जो आपके इंसेक्ट को किल करते हैं, आपके पीड़क की बैंड बजा देते हैं, विषाक्त पदार्थ का उत्पादन करते हैं, एंडोटॉक्सिन का निर्माण करते हैं। सर क्या आंसर रहेगा सर इसका? मक्का छेदन कपास के मुकुल कर्मी, एज इट इज लाइन लिखी हुई है बेटा जी। सो होप सो आपके हर क्वेश्चन धड़ल्ले से सही होते जा रहे हैं और मुझे बड़ी आप लोगों पर प्राउड वाली फीलिंग आ रही है कि मेरे बच्चे धुआं मचा के आ गए होंगे आज तो, और आरयूएचएस को कह के आ गए होंगे अगली बार लेवल का पेपर देना, ये तो हमारे लिए बच्चों का खेल है। चलो वेल चमगादड़ चीता मनुष्य आदि के अग्रपादों की हड्डियां समान होती है क्योंकि एक जीव दूसरे जीव को जन्म देता नहीं। बेटा इवोल्यूशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन था, मैंने कहा था कि बेटा दो ही पोर्शन है जहां से इवोल्यूशन में क्वेश्चन बनता है, कौन सा? हार्डी विनबर्ग इक्वेशन। और मैंने कहा था एग्जाम्पल, एक मैंने कहा था बेटा ओरिजिन याद कर लेना किसका कितना सीसी का दिमाग है और किस कोसी के जीव की उत्पत्ति कितने कब हुई थी, एकोसी के जीव की उत्पत्ति कब हुई थी, ये चीजें याद कर लेना। वही आया है, कुछ भी बाहर नहीं गया। इसका आंसर होने वाला बेटा वे एक समान पूर्वज साझा करते हैं, इसीलिए क्योंकि सर इनकी स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। इनके अंदर ह्यूमरस, वही अग्रपाद में ह्यूमरस, मेटा रेडियस अल्ना, मेटाकार्पस, मेटाकार्पस फेलेंजेज, यही सब में है। लेकिन सबके काम क्या है? अलग अलग। मनुष्य हाथों से कुछ और करता है, वेल मछली कुछ और करती है, चमगादड़ अलग करता है, चीता अलग करता है, काम अलग अलग है, ध्यान से सुनो, लेकिन ओरिजिन सेम है। क्या कहलाता है सर? होमोलोगस समझात अंग कहलाता है और ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का पार्ट है। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन वाले पार्ट से क्वेश्चन बना था बेटा। इसका सही जवाब रहा है बी। यस, कितना रहा है? बी रहा है। सारे बच्चे फटाफट आ जाइए भाई, गुरु नरसिंह की टीम प्लीज, इतने कमेंट बिल्कुल इसलिए कर रहे हैं बेटा ताकि आपकी एनर्जी और जोश बना रहे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं हम लोग। एक ठंडी ठंडी हवा चल रही है बॉस, ठंडी ठंडी हवा में देखा होगा उनके छोटे छोटे कान होते हैं, वो ऐसे चलते रहते हैं। उनके कान हाथ पैर हमारी तरह बड़े नहीं होते हैं, कान हाथ पैर बड़े नहीं होते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये एलन ने कही थी, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, एलन ने कही थी। तो क्वेश्चन क्या आ गया? ठंडी जलवायु वाले जानवरों, ठंडी जलवायु वाले जानवरों के आमतौर पर छोटे होते हैं, जो हाथ पैर है वो छोटे होते हैं। एनिमल्स फ्रॉम द कोल्डर एनवायरमेंट जनरली हैव शॉर्टर लिम्स, दिस इज कॉल्ड एलन्स रूल। कॉपी में सीधा सीधा लिखा हुआ लाइन, एलन्स रूल लिख लेना बेटा जी। चलो, हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार ही करनी पड़ती है। हद में नहीं रहना, हमें हद से आगे गुजर जाना है हमें। चलो आगे देखते हैं और समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बड़ा थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन था,
व्यक्ति को होता क्या है, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड आपको मैं बता चुका हूं बेटा, न्यूक्लियोटाइड में चार क्षार युग्म होते हैं ए टी जी और सी, होता क्या है बेटा जी ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये एक स्ट्रैंड है इसका दूसरा स्ट्रैंड टी ए सी जी जस्ट अपोजिट बनता है सर, क्योंकि मैंने क्लियरली बोला था ए डबल बॉन्ड टी जी ट्रिपल बॉन्ड ए सी होता है, जहां ए है वहां टी आएगा, जहां जी है उसका दूसरे स्टैंड पे सी आएगा। तो सर ये आपस में दोनों स्टैंड, ये स्टैंड दोनों आपस में किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, यहां बोलोगे सर हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, किसके द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, बट दिस इज नॉट द आंसर, ये जवाब नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ने कहा एक डीएनए स्ट्रैंड है, कितना है एक, एक ही लेके चलो सर फिर दो क्यों लिखवा दिए, ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, कई बच्चे गलती कर चुके हैं हाइड्रोजन बॉन्ड लगा के आ चुके हैं। ये न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं, कौन सा बॉन्ड है बॉस, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आ गया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, बी इज द करेक्ट आंसर। 89 का आंसर क्या होने वाला है, बी होने वाला है, होप सो सभी बच्चों ने यह आंसर सही कर दिया होगा। यस यस आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, सर पेपर हो चुका है इसीलिए तो आंसर की करवा रहा हूं, ताकि तुम्हें कोई डाउट ही नहीं रहे, मन में कोई शंका ही नहीं रहे, पागल हो गए हो। हाँ जी यस 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 कम ऑन फटाफट से सभी बच्चे जुड़ जाइए और देखते रहिए किस तरह से पेपर रहा है और क्या आपके आंसर सही हैं, कितने के आंसर सही हैं, वो आप आज यहाँ बैठे बैठे घर पे आंसर की मिला सकते हैं। ये आ गया दूसरा प्यारा सा क्वेश्चन, बेसिलस थ्रोएंजियंसिस बीटी, बीटी एंडोटॉक्सिन निकालता है सर, क्या निकालता है, एंडोटॉक्सिन निकालता है, एक जहर निकालता है, मैंने कहा था इस जहर को कीट खाएगा, उसके हाथ में वो जहर जाएगा, वो टपक जाएगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि उसकी आंख की पीएच कितनी है, क्षारीय है, वो तो सर हमारी भी है, अगर मैंने खा लिया तो मैं भी टपक जाऊंगा, नहीं टपकोगे भाई, क्यों, क्योंकि आपके पेट में एसिडिक पीएच होती है, एससीएल निकलता है, वो वहीं उस एंडोटॉक्सिन प्रोटीन उस जहर को नष्ट कर देता है, तो हम नहीं मरेंगे, कौन मरेगा, कीट पतंग मरेगा, यही तो हम चाहते हैं बेटा बायोटेक्नोलॉजी से। सो सही जवाब रहेगा कीट आंत का क्षारीय पीएच होना, कीट आंत का क्षारीय पीएच होना, ये इसका सही जवाब होगा। चलो आगे वाले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, 91 नंबर क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा आपको देखते जाइए। यदि एक डबल स्ट्रैंड डीएनए में 20% साइटोसिन है, कितना परसेंट है 20%, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी कितना है 20%, जी कितना हुआ ऑटोमेटिकली 20% हो गया सर, कितना परसेंट हो गया सर टोटल 40% हो गया, 100 में से 40% ये हो गया, तो ए और टी वो कितना है 60%, तो 30% ये होगा और 30% ही ये होगा, तो सही जवाब इसका क्या रहने वाला है 30%, क्या रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों 30% रहने वाला है, 30% इसका करेक्ट जवाब है। यस 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 चलो आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, 92 नंबर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन आया बेटा 92 की नंबर क्वेश्चन, सिंपल एक बात याद रखनी थी बेटा, क्या बात याद रखनी थी सर 1400 सीसी, कहानी क्लियर, 1400 सीसी जिसको याद था उसका आंसर ये हो चुका है, होमो हैबिलिस बेटा हमारा पहला माना जाता है कि पहले ह्यूमन जैसा दिखने वाला मानव कौन सा था, होमो हैबिलिस, लेकिन इसके पास माइंड जो था वो ऑलमोस्ट 600 से 700 सीसी का था, इसी के पास था सबसे पहले 1400 सीसी का दिमाग है, तो नेंडरथल में, और आप इसे यहां पे भी देख सकते हो, यही आंसर इसका रहने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन बायोटेक से फिर से आपके लिए, 93 नंबर क्वेश्चन, बहुत सिंपल था बेटा, जी ए ए टी सी, याद करो उस क्लास को जब मैंने यहां सबकी रेस्ट्रिक्शन साइट लिखवाई थी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम, उसका सोर्स और उसकी साइट लिखवाई थी, और चिल्ला के कहा था जी डबल बॉन्ड जी ए ए टी टी सी किसकी साइट है सर, इको आर वन की साइट है, किसकी साइट है, इको आर वन की साइट है, सिंगल क्वेश्चन अभी तक नोट्स से बाहर नहीं मिलेगा बेटा, सिंगल क्वेश्चन
एग्जाम कहाँ है आपका? बेटा मेरा एग्जाम नहीं है, आज एग्जाम हुआ है राजस्थान में नर्सिंग के लिए, बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम हुआ बेटा, उसका ये पेपर आया है, उस पेपर के क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं। और बड़े प्राउड के साथ कह सकता हूं पूरे के पूरे 34 क्वेश्चन गुरु नर्सिंग एकेडमी के नोटबुक से आए हैं। आप जिसको विश्वास नहीं हो, जो ये कह रहा हो कि सर ने झूठ बोला है, आके मिला लेना, एक एक क्वेश्चन दिखा दूंगा। जिसको आए ओपन चैलेंज देके कहता हूं बेटा, जिसकी मर्जी हो ना आके मेरे से मिल ले, एक एक क्वेश्चन का आंसर नोटबुक में दिखा दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जीएटीटीसी किसकी साइट है बेटा? इको आर1 की साइट है। किसकी साइट है? इको आर1, जो एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है। जो क्या है? एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है। चलो हम लोगों ने काफी हद तक पेपर सोल्व कर लिया है, लास्ट मोमेंट पे हम लोग चल रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चों के क्या आंसर सही रहते हैं। निम्नलिखित में से औषधि, निम्नलिखित में से औषधि प्रकार का, औषधि मतलब जमने वाला, सबको पता है क्या है? फॉस्फोरस। क्योंकि हमें पता है बेटा चट्टानों में क्या देखने को मिलता है? फॉस्फोरस। क्लियरली बोला था मैंने बेटा कि चट्टानों पे फॉस्फोरस होगा, फॉस्फोरस को प्लांट अब्सॉर्ब करेगा, प्लांट से वो हमारे अंदर जाएगा, क्योंकि हमारे डीएनए हम बनाने के लिए, कैल्शियम फॉस्फेट दांत बनाने के लिए, हमारे टीथ, हमारा डीएनए, हमारी बोन्स, ये सब बनाने के लिए क्या चाहिए बेटा? फॉस्फोरस चाहिए। तो फॉस्फोरस का जो साइकिल है वो किस तरह का है? औषधीय प्रकार का है, क्योंकि ये चट्टानों में जमा हुआ रहता है सर। सो आंसर आ गया 94 का डी। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण के अवांछनीय परिवर्तन लाने वाला कारक, फैक्टर, द एजेंट दैट ब्रिंग अनडिजायरेबल चेंजेस इन द एनवायरमेंट आर कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं सर? पोल्यूटेंट कहते हैं, उसे प्रदूषक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रदूषक कहते हैं। आगे चलिए, आगे देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है? फटाफट से हम पेपर सोल्व किए जा रहे हैं, लास्ट एंड मोमेंट पे चल रहे हैं हम लोग। एक अगला क्वेश्चन है बेटा, उत्तक संवर्धन की विधि द्वारा बड़ी संख्या में प्राप्त करने, पादप प्राप्त करने की तकनीक, हम लोग टिश्यू कल्चर करते हैं। टिश्यू कल्चर में क्या होता है? एक संवर्धन मीडियम दिया जाता है, एक कल्चर मीडियम प्रोवाइड करवाया जाता है, वहां पर हम बहुत सारे प्लांट ऑब्टेन कर लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? माइक्रो प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं बेटा? माइक्रो प्रोपोगेशन, सूक्ष्म आवर्धन प्रवर्धन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन बोलते हैं। शायद इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीएनए के एक रज्जु के क्षारकों का क्रम, क्रम दिया हुआ बेटा, क्रम क्या दिया? ए टी जी सी, ए टी जी सी ए, इसके जस्ट अपोजिट ए है तो बगल में टी, टी है तो आप बोलोगे सर ए जी सी, सी जी ए टी, टी ए सी जी टी, ये इसका दूसरा स्टैंड बनेगा, जिससे आप पूरक रज्जुओं का क्षार क्रम कहते हो। तो आंसर मिला के देख लीजिए, इसका धमाकेदार आंसर होने वाला है बी। क्या आंसर होने वाला है बेटा? बी आंसर होने वाला है। सो इसका सही जवाब क्या रहेगा? बी रहने वाला है। होप यू गाइज क्लियर ऑल द क्वेश्चंस। 97 क्वेश्चन वी हैड कंप्लीटेड, नाउ वी आर गोइंग ऑन 98 पे आ गए बेटा। ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज की अगर बात की जाए तो इससे सिंपल तो बताऊं क्या मैं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन कौन सी गैसें हैं बेटा? आप बोलोगे सर ग्रीन हाउस गैसेज है, सीएफसी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये सब के सब क्या है बेटा? ऑक्सीजन नहीं हो सकता सर, भी नहीं हो सकता, हीलियम और ऑर्गन तो अक्रिय गैस है, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। अगला, स्टोन प्रोटीन है, मैंने आपको पैकेजिंग ऑफ डीएनए में ये बात क्लियर करवाई थी कि डीएनए किसके, ये डीएनए, ये डीएनए, डीएनए पर ऋणावेश होता है, डीएनए पर ऋणावेश होता है, डीएनए एक प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होता है जिसे हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय होती है। क्या होती है? क्षारीय होती है, ये आप पता होगा, लेकिन मैंने क्लास में पढ़ाया है कि एक क्षारीय इसलिए होती है क्योंकि इसमें लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड होते हैं, जो क्या है? क्षारीय अमीनो एसिड है। इसीलिए ओवरऑल चार्ज कितना आ जाता है उसके ऊपर क्षारीय हो जाती है वो आपका प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। लेकिन इसके ऊपर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, क्योंकि क्षारीय किसके कारण हुआ है? अमाइनो ग्रुप।
NS3+ किसके कारण हुआ? NS3+ के कारण। तो आंसर रहेगा बेटा इसका क्षारीय और धनावेश, धनात्मक आवेशित, क्षारीय और धनात्मक आवेशित। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, आगे देखिए। 100 क्वेश्चन क्या कहता है? तंबाकू का सेवन एड्रेनाइल और नॉन एड्रेनाइल का स्टाफ प्रोत्साहित करने के लिए जाना जाता है, इसका कारण बनने वाले घटक कौन सा हो सकता है? निकोटीन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल उसका जवाब होने वाला था। होप यू गाइस हैव डन ऑल द क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आपने क्लियर किए? कितने क्वेश्चन? उम्मीद है सभी बच्चों के 30+ क्वेश्चन रहे होंगे। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं बेटा, आपने इतनी अच्छी मेहनत की, हमारे साथ जुड़े और आगे भी बढ़ते रहिए। ना केवल गुरु नरसिंह आपको RUHS में सेलेक्ट करवाएगा, बल्कि आपको NORSET में भी सेलेक्ट करवाएगा। BSc नर्सिंग के बाद भी हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हम साथ साथ हैं। लव यू सो मच गाइज। बायोलॉजी वी हैड कंप्लीटेड, अब हमारे केमिस्ट फिजिक्स के रफ्तार सर आपके लिए तैयार हैं, जो आपको पेपर डिस्कस करवाएंगे फिजिक्स का। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। सो बी कंटिन्यू, स्टे ट्यून्ड, बने रहिए और देखते रहिए। एंजॉय द गुरु नर्सिंग अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म। चैनल अच्छा लगा हो, बातें अच्छी लग रही हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास को लाइक तो ठोक ही दो बॉस। थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू रफ्तार सर। रफ्तार सर आ चुके हैं हमारे सामने, जो बड़े धुआंधार तरीके से बड़े रफ्तार के साथ ही क्वेश्चन करवाते हैं, और इनके धुआंधार जो रफ्तार है वो रफ्तार अभी आप देख ही लेंगे कि ये बड़े हैवी ड्राइवर हैं साहब। ये लीजिए बच्चों, सभी रफ्तार सर का तहे दिल से स्वागत करेंगे हम लोग और चाहेंगे कि हर एक क्वेश्चन को ये पूरा डिटेल के साथ आपको समझाएं। वेलकम टू रफ्तार सर। हेलो गाइस, ओके, तो सभी भैया जेंटलमैन जितने भी हैं वो अपनी तैयारी को परखने के लिए तैयार हो जाइए। कहां थे हम, सारी चीज आपकी अभी क्लियर हो जाएगी, ठीक है भाई? ओके, तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, स्पीड में बढ़ेगी, स्पीड ऑफ लाइट से चलेगी क्लास। बच्चों मुझे पता है आपका पेपर खतरनाक हुआ होगा, शानदार, ठीक है, सेलिब्रेशन तो मना लेंगे। अभी और कोचिंगों को बनाने दो, हमारा भी टाइम आएगा, हमारा भी दौर आएगा, ठीक है बच्चों, आइए, ठीक है, ओके। तो भैया हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश में पढ़ू या हिंदी में? चलो दोनों पढ़ देते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे चिकित्सा उपकरणों रोगाणु रहित करने में प्रयोग आता है। नेम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टरलाइजेशन ऑफ द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। याद है आपको, पानी को शुद्ध करने में, वाटर का स्टरलाइजेशन करने में, बैक्टीरिया को खत्म करने में यूवी रेज काम आती है। तो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस ही बात है, पानी में बैक्टीरिया खत्म कर चाहे इंस्ट्रूमेंट में खत्म कर, बात तो वही है ना। तो आंसर क्या आने वाला है? यूवी रे, पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट रे। आंसर अल्ट्रावायलेट, कई लोगों ने एक्सरे किया भाई, खत्म है, गलत है तेरा। आंसर क्या है भैया? यूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? ये दिया हुआ है, इसमें आयनों के मध्य की दूरी पूछी है। आपको अच्छे से पता है कि फॉर्मूला क्या था, P=Q×2A भाई साहब। P=Q×2 क्या है बच्चे? 2A है। तो P=Q×2A के हिसाब से P दे रखा है, कितना दे रखा है? 3.2×10⁻³⁰ =30 Q कितना दिया हुआ भाई? Q कितना दिया हुआ, देखो जल्दी से, Q। अरे सर H+ और Cl- है, H+ और Cl- इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। तो दोबारा देख ध्यान से क्या लिखा मैंने यहां पे, इधर देख, यहां पे सॉल्यूशन क्या है, P=Q×2A। तो P की वैल्यू कितनी है भैया? 3.2×10⁻³⁰। क्यों चार्ज कितना है बच्चों? इलेक्ट्रॉन के बराबर है, कितना हो जाएगा? 1.6×10⁻¹⁹। तो देख इधर, ये कितना बच गया? 2। ऊपर जाके कितना हो गया? -11। तो 2×10⁻¹⁰, ऑप्शन नंबर ए। जल्दी ऑप्शन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, फैला दीजिए भैया। ऑप्शन है ए। ऑप्शन क्या है भैया? ए। ये दोनों सवाल क्लास नोट से है भैया, ये दोनों सवाल क्लास नोट से है, क्लास नोट से है। जिन्होंने गुरु नरसिंह की जो एप्लीकेशन, जिन लोगों ने गुरु नरसिंह की टेस्ट सीरीज ली थी, उनका पेपर खतरनाक गया है, 90+। अभी तक 10 बच्चों से बातचीत हो चुकी है, उनके 90+ मार्क्स है गाइस, 90+ मार्क्स, क्या बात है, SMS बिल्कुल क्लियर होने जा रहा है, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, अगला देखिए, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इसको, आओ बच्चों तुम्हें शेयर करा दे, आइए बच्चों ध्यान दीजिए, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, नीचे दिए गए डायोड की अभिव्यक्ति। अरे कितनी बार कराए, कराते बोर हो गए, एक बार और करा लेते, कितना हो गया? बाइसिंग ऑफ द फॉलोइंग डायोड। आपको बताया था डायोड का पॉजिटिव सिरा अगर बैटरी के पॉजिटिव से है तो, और बैटरी का नेगेटिव सिरा डायोड के नेगेटिव से है तो फॉरवर्ड बायस होता है। अगर ऐसा नहीं है, नेगेटिव वाला अगर पॉजिटिव से कनेक्ट है तो वो हो जाएगा रिवर्स बायस, पश्च्य अभिनति, रिवर्स बायसिंग इज करेक्ट आंसर। आंसर है बच्चों उत्क्रम अभिनति। आंसर क्या है? उत्क्रम अभिनति। जल्दी से शेयर करते जाइए क्लास, क्लास अभी तक शेयर नहीं हुई, लाइक भी नहीं हुई है भैया, लाइक भी नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि 2×10⁻³ हाइट वो हेनरी स्वप्रकृत्व वाली कुंडली में 10 A/s की धारा दी हुई है, 10 A/s है, 10 A/s का मतलब क्या है? DI/DT दिया हुआ है।
और ये कितना दिया हुआ है, हेनरी का मतलब क्या दिया, एल दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा है, विद्युत वाहक बल का मान पूछा, आपसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूछा है। आप अच्छे से जानते हो कि ई बराबर एल डी आई बाई डी टी होता है गाइस। एल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 × 10⁻³ दिया हुआ है, ठीक है। डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब, 10 दी हुई है। तो बताओ मुझे कितना हो जाएगा ये, 10 × 20, 20 × 10⁻³, 20 × 10⁻³ का मतलब 20/1000, 20/1000 का मतलब कितना है बच्चों, 0.002 वोल्ट, 0. ऑप्शन सी, ऑप्शन क्या आएगा सी, 0.02 वोल्ट, 0.02 वोल्ट इज करेक्ट आंसर भैया, 0.02 वोल्ट इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे गया, अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अरे भैया ये लो, कितनी बार क्लास नोट से पूरा पेपर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्यूचस ये ना कह दे कि गुरु नरसिंह परिवार ने पेपर पूरा उसमें से दिया है। भैया ध्यान रखे, पेपर पूरा वहीं से है। विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इंक्रीज भाई। आपको पता है विभवमापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है, लेंथ को इंक्रीज करके, लंबाई को बढ़ा करके। अगर आप चाहें तो एक्स बराबर आई रो अपॉन ए भी लगा सकते हैं, लेकिन ये वाले ऑप्शन में नहीं है, इसलिए फॉर्मुला यहाँ काम नहीं करेगा। आपको पता है एक्स इक्वल टू वी अपॉन एल, अगर पोटेंशियल को कॉन्स्टेंट कर दे, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को कॉन्स्टेंट कर दे तो एक्स की वैल्यू इनवर्सली क्या आ जाएगी, एल। लेंथ को बढ़ाओगे तो एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। आपको पढ़ाया था एसओपी, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडिएंट। कहने का मतलब विभवमापी की सुग्राह्यता क्या होती है, विभव प्रवणता की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आपको अच्छे से पता है कि एक्स जितना कम होगा, एक्स जितना व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती एसओपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडिएंट। एक्स जितना कम होगा एसओपी उतनी ज्यादा होगी, तो विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या है बच्चों, लंबाई को बढ़ाकर। क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। इंक्रीज द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर, अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे गाइस, क्लास रुकनी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो भैया, 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित। अरे मैंने क्लास में क्या बोला था याद करो बच्चों, क्लास में मैंने क्या बोला था, यही डायलॉग मारा था और अभी भी यही डायलॉग मारूंगा कि अगर डी ब्रोगली में इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालने का आएगा तो मैंने आपको कहा था विभवांतर की जगह 100 ही आएगा वरना नहीं आएगा, और देखो आज यही हुआ है। मैंने क्या बोला था, 12.27 अपॉन √V, लेकिन कई बच्चों ने इतना एक्साइटमेंट रहता है, पता नहीं अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है क्या, अरे भाई इतना एक्साइटमेंट किस बात का है, कई लोगों ने 12.27 पे टिक कर दिया, गलत हो गया। आपको पता है 100 वोल्ट कितना दिया हुआ है, 100 वोल्ट अंडर रूट 100 का मतलब कितना होता है बच्चों, 10 होता है, तो 12.27/10 इसका मतलब है 1.227 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर भैया, मुझे यह आंकड़ा 600 के पार चाहिए मुझे लाइव के अंदर बच्चों, एक क्लास फैलनी चाहिए। राजस्थान में सबसे पहला इंस्टीट्यूट ऐसा है जो पूरी लाइव क्लास के अंदर बता रहा है सॉल्यूशन, पहला इंस्टीट्यूट पूरे राजस्थान का। तो बच्चों ध्यान दीजिए, और ये पूरे ना इनमें आंसर चेंज नहीं होंगे इनमें, ये फाइनल आंसर है, ध्यान रखना। इधर देखिए, आगे देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। इधर देखिए, एक लंबे सीधे धारावाही तार जिसके चालक दूरी r दूरी पर उत्तर चुंबकीय क्षेत्र b है, यदि तार में प्रवाहित धारा का मान 2R/3 हो जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। बच्चे ध्यान से सुन मेरी बात, तार वाला कॉन्सेप्ट था B=μ0I/2πD, क्लास के अंदर कराया हुआ सवाल है 2πD। अब आपको पता है इस डी की दूरी कितनी कर दी उसने, 2R/3 कर दी, बल्कि 2D/3 कर दी। तो अगर आप देखो इसको ऐसे करोगे तो B बराबर कितना बन जाएगा, μ0I/2π, डी की जगह कितना कर दिया 2D/3, तो 3 ऊपर चला गया बच्चों, 3 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया, तो देखो ये वाला क्या है बच्चों, B है, तो 3B/2 आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। लाइक एंड शेयर कीजिए, 600 प्लस जाना चाहिए, पूरे राजस्थान का नंबर 1 इंस्टीट्यूट गुरु नर्सिंग एकेडमी जयपुर राजस्थान। ध्यान दीजिए बच्चों, 90+ मार्क्स आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों के, ऐसे मैच तो निश्चित है बच्चों आपका। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे सबसे शानदार क्वेश्चन, ध्यान दीजिए भैया, अगला ध्यान दीजिए, सबसे शानदार क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिए क्या हुआ। इधर देखिए बच्चों, जब 12 माइक्रो कूलम, ऐसा क्वेश्चन ध्यान रखे, ये क्वेश्चन नीट लेवल का है बच्चों, नीट लेवल का क्वेश्चन है। जब 12 माइक्रो कूलम और 8 माइक्रो कूलम के 2 आवेशों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है
और 4 सेंटीमीटर लाने में लगभग कितना कार्य करना होगा, आपको मैं आइडिया दे रहा हूं कैसे करना है। ध्यान रखना, कार्य लाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा में पोटेंशियल एनर्जी में संचित होता है। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, बाद में कितनी है, दोनों का अंतर निकाल दो, आंसर आ जाएगा। कैसे मैं समझाता हूं, यू बराबर कितना होता है बच्चों, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लगाओ के, क्यू वन की वैल्यू कितनी दी हुई है, क्यू वन की वैल्यू दी हुई है 12 × 10⁻⁶ इंटू क्यू टू की वैल्यू कितनी है 8 × 10⁻⁶ अपॉन आर की वैल्यू दी हुई है कितनी 10 × 10⁻²। ये तो है इनिशियल, ये क्या है बच्चों इनिशियल, फाइनल क्या है, फाइनल क्या है बच्चों ध्यान दीजिए, फाइनल है चार्ज तो वही है बट दूरी कम कर दी, तो के क्यू वन क्यू टू भैया, तो के इंटू 12 × 10⁻⁶ इंटू 8 × 10⁻⁶ अपॉन कितना दिया हुआ 4 × 10⁻²। अब इन दोनों का डिफरेंस ले ले, दोनों का अंतर ले ले, 12.96 आंसर आएगा, 12.96 मतलब 13 जूल। इन दोनों को घटाने पर, इन दोनों को घटाने पर जो आंसर आएगा 13 जूल आएगा, 12.96 इज करेक्ट आंसर, 13 जूल आएगा बच्चों, 13 जूल इज करेक्ट आंसर, 13 जूल आंसर आएगा। जल्दी से लाइक कीजिए, ठोकिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। राजस्थान का नंबर वन इंस्टीट्यूट गुरु नर्सिंग अकेडमी जयपुर राजस्थान, प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने सपनों को साकार कीजिए गाइस, अपने सपनों को साकार कीजिए। क्या क्वेश्चन आ रहा है देखिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक 2 है इसके लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक 2 है इसके लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होगा। अरे यार तेरे को कितनी बार बताऊं, गुरु नरसिंह के नोट से पेपर है, गुरु नरसिंह के नोट से पेपर है। अपवर्तनांक देख ध्यान से, साइन सी बराबर 1/μ, साइन सी बराबर 1/μ, साइन सी यहां पर क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण है, 1/μ, 1/2, अरे साइन थीटा 1/2 कितने डिग्री पे होता है, अरे साइन थीटा 1/2 कितने डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री इज करेक्ट आंसर, 30 डिग्री, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 30 डिग्री। भैया अगला क्वेश्चन देखिए, विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट, मैंने आपको क्या बोला था डिस्प्लेसमेंट करंट का क्वेश्चन आएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट का क्वेश्चन आएगा, और डिस्प्लेसमेंट करंट का क्वेश्चन आ गया, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने डिस्प्लेसमेंट करंट का क्वेश्चन किया होगा, अरे मुझे उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा। याद करो मैंने डिस्प्लेसमेंट करंट को प्रूफ किया था, डिराइव किया था, और मैंने आईसी बराबर आईडी निकाला था, मैंने चालन धारा और विस्थापन धारा बराबर कर दी थी। यहां पर क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन धारा क्या होती है, एप्सिलॉन 0 d phi by dt। अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए गाइस, अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। आइए बच्चों आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन, धारा घनत्व का एसआई मात्रक। अरे मैं तो क्या कह रहा हूं, ये तो आर्यूचस ने ये दिया है। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने जब क्लास में कराया था ना, तो मैंने क्या कराया था, एरिया इंटू मीटर, मतलब एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर, और एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। मैंने ये चारों बताए थे आपको। मैं तो कह रहा हूं आर्यूचस ने तो एक दिया है, मैंने क्लास में चार कराए, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये होता है करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, जो आपसे पूछा है, J बराबर I upon A, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये वाला ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। लेकिन इनको बता देता हूं मैं, एम्पियर पर मीटर किसका होता है, कैपिटल H, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, याद करो, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण का है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, एम्पियर इंटू मीटर, पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव सामर्थ्य। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों फैलाओ बच्चों, क्लास को फैलाइए, एकमात्र इंस्टीट्यूट राजस्थान का जो सबसे पहले लाइव सॉल्यूशन दे रहा है। आइए बच्चों अगला देखते हैं, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। अरे यार एक बार बताओ, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, 3 लैम्ब्डा, क्या बच्चों, 3 लैम्ब्डा। अरे याद कर तू उस पल को जब तेरे को क्लास में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, Δx = 0 λ, 2 λ, 3 λ, 4 λ। सर समझ में आ गया, Δx = n λ, संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर cos phi का मान कितना होता है, 1 होता है, आई मैक्सिमम होती है, इन सब पर आई मैक्सिमम है, और पहले भी आई मैक्सिमम ही थी, अरे आई मैक्सिमम ही थी और अभी भी आई मैक्सिमम ही होगी। आंसर है आई एम ही होगा, और याद करो इसे अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो ऐसा कर लेना, तो भी आंसर वही आएगा जो मैं बता रहा हूं।
ध्यान दीजिए क्या आएगा, आई बराबर आई जीरो कोस स्क्वायर फाइव बाई टू, ये मेलस लो नहीं है, मेलस में फाइव आता है बच्चों, मेलस नहीं है फाइव आता है, फाइव बाई टू। अब यहां से फाइव कैसे निकालोगे, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, ये जिनको बड़े तरीके पसंद है, जिनको गूगल के तरीके पसंद है वो भी कर सकता है ऐसे। देख बड़ा तरीका क्या है, फाइव कैसे निकालेगा, फाइव निकालना सिखाया था मैंने, फाइव बराबर टू पाई अपॉन लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस, क्लास में कराया हुआ, यहां से फाइव निकल जाएगा, फाइव निकालेगा तो यहां से आएगा सिक्स पाई बाई टू तो थ्री पाई, तो आंसर वही आ जाएगा बच्चों, आंसर वही आएगा माइनस वन स्क्वायर है यहाँ पे प्लस वन, आंसर यही आ जाएगा ए। तो कैसे भी तरीके से कर ले, या तो टाइम खराब के कर ले या टाइम बचा के कर ले। भैया आगे चलते हैं, आगे चलते हैं गाइस, आगे चलते हैं। एन प्रकार के अनुचालक पर कुल आवेश, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ 90% बच्चे, 90% बच्चों ने इसको नेगेटिव किया होगा, नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, आंसर है जीरो, आंसर है जीरो। न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है भाई साहब। अबे करंट कहां से फ्लो गई उसमें, करंट कहां से आ गया एन टाइप के अंदर, करंट कहां से आ जाएगी, न्यूट्रल है भाई, न्यूट्रल है, ध्यान रखे इस बात का। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए भाई, अगला क्वेश्चन, बड़ा ही जबरदस्त सवाल, शानदार सवाल, शानदार सवाल, सोलवा क्वेश्चन, सोलवा क्वेश्चन, शानदार, शानदार क्वेश्चन भैया, शानदार क्वेश्चन। अपने जीत को, अपने जीत को निश्चित कीजिए, अपने आंसर मैच कीजिए, अपनी काउंसलिंग खुद कीजिए, अपना आकलन खुद कीजिए। यू आर फाइटर्स, जिन बच्चों का पेपर खराब हुआ है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, गुरु नरसिंह सिंह परिवार आज भी उनके साथ है, कल भी था और हमेशा रहेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये बड़ा मंच है, यहां पर सफलता असफलता चलती रहती है, असफलता होने से निराश मत होना, क्योंकि तू मेहनत करना सीख चुका है, और जो इंसान मेहनत करना सीख जाता है वो इंसान लाइफ में कभी झुकता नहीं है, लाइफ में बस चलते जाता है। बच्चों ये हार जीत चलती रहती है, आपको आपको उठना है, आपको लड़ना है और वापस तैयारी करनी है। आइए बच्चों आगे देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज में प्रकाश की किरण इस प्रकार गुजरती है कि उसका आपतन कोण व निर्गत कोण बराबर है। बच्चों आई और ई का मान बराबर है, पहली बार जब आई और ई का मान बराबर होता है, जब आई और ई का मान बराबर होता है उस समय न्यूनतम विचलन होता है। एक बात और उसने क्या बोला है, यह प्रत्येक कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है, तथा प्रत्येक कोण प्रिज्म कोण का 3/4 है, मतलब प्रिज्म कोण का, ये तो बोला कंडीशन कि आई और ई बराबर है, और उसने कंडीशन और दी है, क्या कंडीशन दी है कि प्रत्येक कोण प्रिज्म कोण का कितना है 3/4, मतलब 3/4 है। ठीक है साहब, अब मुझे बताओ डेल्टा बराबर क्या होता है, आई प्लस ई माइनस ए होता है, आई और ई बराबर है तो 2i लिख दूं क्या, 2i माइनस ए। अब देखो i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू है यहाँ पे 3a/4 माइनस ए, ये बच गया 3a/2, ये बच गया a/2। अब मुझे बताओ a/2 और a प्रिज्म कोण है, और समबाहु त्रिभुज में इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, तो 60/2 आंसर 30, ऑप्शन 30, ऑप्शन 30, ऑप्शन 30 आएगा भैया, ऑप्शन 30 आएगा, 30 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन 30 आएगा भैया। 500 का आंकड़ा क्रॉस चाहिए बच्चों, 500 का आंकड़ा क्रॉस चाहिए, जल्दी दीजिए, जल्दी करिए बच्चों, जल्दी कीजिए, जोश में, जोश में आइए, जोश में, होश मत खोना बच्चों, होश नहीं खोना है, होश में आइए, ध्यान दीजिए। अगला क्या है बच्चों, नाभिक, नाभिक की त्रिज्या लगभग, ध्यान दीजिए, अप्रोक्सीमेट एल्यूमिनियम न्यूक्लियस 1327, क्लास में मैंने ऐसा ही सवाल कराया था, सीजियम 135 वाला, सीजियम 135 एल्यूमिनियम 27 वाला क्वेश्चन कराया था मैंने, उस समय मैंने आपको रेशियो निकालना सिखाया था, उस समय मैंने आपको रेशियो निकालना सिखाया था, लेकिन इसने रेशियो नहीं पूछा, इसने डायरेक्ट ये पूछा है 27। बच्चों आप पता आर बराबर आर जीरो ए की पावर 1/3, क्लास में कराया हुआ फॉर्मुला, आर जीरो को बोलेंगे 1.2, आर जीरो की वैल्यू होती है 1.2, ए होता है मास नंबर, और मैंने क्या दिखाया 27, 27 का 1/3 कितना होता है 3, याद करो मैंने उर्वशी टेक्निक पढ़ाई थी, उर्वशी टेक्निक पढ़ाई थी, उसे मैंने बताया था 1000 का कितना होता है 10 होता है, 27 का 3 होता है, 8 का 2 होता है, याद करो मैंने सब चीजें सिखाई थी, नहीं सिखाई थी, तो 27 का कितना होता है 3, तो आंसर आ गया 3.6, आंसर आ गया 3.6 थर्मीमीटर, आंसर इज 3.6 थर्मीमीटर, आंसर इज 3.6 थर्मीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए बच्चों, बढ़िया सवाल, नीट लेवल का सवाल है 18वां, दो क्वेश्चन ऐसे आए जो नीट लेवल के बच्चों, एक ये क्वेश्चन है 18वां, एक स्लिट द्वारा 5000 एंगस्ट्रॉम चंद्र का प्रकाश विवर्तित होता है, विवर्तित प्रतिरूप में पांचवा निम्निष्ट बन रहा है, फिफ्थ मिनिमा दे रखा है, और 5 मिलीमीटर की डिस्टेंस दे रखी है, मतलब वाई की वैल्यू देखिए 5 मिलीमीटर बन जाएगा, 5×10^-3 मीटर,
उसके बाद हमें बोला फिफ्थ मिनिमा, और याद करो मिनिमा के अंदर मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टिव का, कंस्ट्रक्टिव वाला लगेगा मिनिमा, बच्चों याद करो डिफ्रेक्शन है विवर्तन है, मैंने शॉर्ट ट्रिक पढ़ाई थी, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कहा था कि इंटरफेरेंस का जस्ट उल्टा कर देना, यहाँ के फॉर्मूले जस्ट उल्टे लग जाएंगे, तो क्या लिखेगा तू, क्या लिखेगा, क्या लिखेगा, क्या करेगा तू बता, तू ऐसा लिखेगा जो बता रहा हूं, ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, एन का मान देगा पांच, पांचों बनाए, पांचों निम्निष्ठ बनाए तो पांच लैम्डा। अब मुझे बताओ साइन थीटा लगभग टेन थीटा के बराबर होता है, देखो बच्चों ऐसा ऐसा कुछ होगा, ये वाई होगा, ये कैपिटल डी होगा, ये थीटा होगा, तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा के इक्वल, साइन थीटा अप्रोक्सीमेशन किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, टेन थीटा के इक्वल होगा, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो साइन थीटा को यहाँ पे टेन थीटा लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल, तो ध्यान रखो वाई बाई डी, तो ये बन गया ए वाई बाई कैपिटल डी इक्वल टू फाइव लैम्डा। अब यहां से वाई निकालना है, वाई नहीं ए निकालना है, ए इक्वल टू क्या बन जाएगा, फाइव लैम्डा कैपिटल डी अपॉन वाई। अब आप इसको सोल्व करो, फाइव ऐसे कैसे, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 5000 इंटू एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम को बोलेंगे 10^-10, कैपिटल डी का मान एक मीटर है, वाई का मान कितना है, 5×10^-3 है, 5 से 5 उड़ गया बच्चों, ध्यान दीजिए, उसके बाद ये बच गया -2 और ये -6 -4, 5×10^-4, 5×10^-4 मतलब 0.5×10^-3 मतलब 0.5 मिलीमीटर। तो आंसर है बच्चों, आंसर है बच्चों सी, आंसर है सी, आंसर है बच्चों सी, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर भैया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। आगे देखो, आगे आगे देखो भैया, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है बच्चों, आगे क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी चालक की प्रतिरोधकता एवं चालकता, किसी चालक की प्रतिरोधकता, किसी चालक की प्रतिरोधकता एवं चालकता का गुणनफल निर्भर करता है प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। तो ध्यान दीजिए बच्चों, चालकता और प्रतिरोधकता का गुणनफल निकालना है, मतलब कहने का मतलब आपको पता है प्रतिरोधकता और चालकता, प्रतिरोधकता रो होती है और चालकता क्या होती है, वन अपॉन रो होती है, रो से रो उड़ गया, कांस्टेंट 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 डज नॉट डिपेंड। बच्चों ने गलती की है, बच्चों ने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, यहाँ पे गलती की होगी, बच्चों ने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, उन्होंने क्या किया होगा, सीधा उन्होंने प्रतिरोध और चालकता को क्या कर दिया, गुणा कर दिया, अब गुणा करना भूल गया होगा, उन्होंने ताप वाला किया होगा जो कि गलत है, ताप नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ताप तब आता या तो चालकता पूछता या प्रतिरोधकता पूछता, उसने दोनों का गुणा पूछ लिया है इसलिए आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, आंसर है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव आंसर है, नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, आइए अगला चलते हैं, विभवमापी, विभवमापी, ये सवाल कल मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे पूछा था, ये सवाल कल किसी ने मुझसे व्हाट्सएप पे पूछा था, ये सवाल व्हाट्सएप का क्वेश्चन है, ये कल किसी ने पूछा, अब ध्यान दीजिए भैया, ये का वो सवाल आ गया, विभवमापी के प्रयोग में विद्युत वाहक बल E और लंबाई L है, जब E लगा हुआ है तो लंबाई कितनी L है, अब वो कह रहा है इसके समांतर क्रम में, अरे भैया जब तेरे को पता है समांतर क्रम में वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो 6 बैटरी लगा दे, 8 बैटरी लगा दे, डज नॉट चेंज, लेंथ चेंज नहीं होगी, आंसर क्या आएगा बच्चों, L आएगा, आंसर क्या आएगा बच्चों, L आएगा, आंसर क्या आएगा बच्चों, L आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कि कोई आवेश कण जो समान चाल से गति कर रहा है उत्पन्न करता है, समान चाल मतलब यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, अरे मेरे नोट्स के पहले पन्ने का 6वीं, 7वीं, 8वीं, इन दोनों में, तीनों में से कोई ना कोई ऐसी लाइन है इसमें सवाल है, आंसर है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आएगा, बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। आइए बच्चों आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा मजा आ गया, आर्योचस वालों को सैल्यूट करना होगा, कहीं ना कहीं गलती करते रहते हैं आर्योचस वाले, कहीं ना कहीं गलती करते रहते हैं बच्चों के भविष्य के साथ, कहीं ना कहीं खेलते रहते हैं आप लोग कभी नहीं सुधरेंगे। इधर देखिए पहला सवाल क्या है, इधर देखो ध्यान से क्या लिखा है, ध्यान से देखिए भैया क्या लिखा है उन्होंने क्या लिखा है, देखिए एक आवेशित कण समांतर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जिनको समांतर पता था हिंदी मीडियम वालों को, उन्होंने भी कर दिया स्ट्रेट लाइन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश कर रहा है, तो फोर्स जीरो है मतलब डेविएट नहीं होगा, विचलित नहीं होगा, तो आंसर आएगा रेखीय पथ स्ट्रेट लाइन। लेकिन इंग्लिश मीडियम में क्या किया उनके साथ, इफ ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स अलोंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अरे यूनिफॉर्म लिखने से क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब पैरेलल होता है क्या, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, तो पैरेलल थोड़ी चल रहा है वो, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है,
मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म दिया हुआ है, आपने ये कहां बताया कि पार्टिकल परपेंडिकुलर चल रहा है या पैरेलल चल रहा है, आपने कहां बोला? इंग्लिश मीडियम वालों को बच्चों को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी? यहां पे इस क्वेश्चन में पैरेलल आना चाहिए, इस क्वेश्चन में पैरेलल आना चाहिए, इस क्वेश्चन में पैरेलल मिसिंग है, पैरेलल कहीं नहीं लिखा हुआ इस क्वेश्चन में। उन्होंने बोला यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है लाइन पैरेलल है, लाइन पैरेलल है। यह कहां बताया गया है कि पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा है, यह कहां बताया आपने इंग्लिश में? इसलिए इसका आंसर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जरूरी है क्या? जरूरी है कि वो ऐसे ही चले? हो सकता है वो 90 पे चल रहा हो, 90 पे चलेगा तो आंसर आएगा सर्कल, अगर मान लो 0 से 90 के बीच आया तो हेलिकल बनाएगा, और अगर पैरेलल चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए तो क्वेश्चन सही है, बट इंग्लिश मीडियम वालों में पैरेलल लिखा हुआ होना चाहिए, पैरेलल लिखा हुआ होना चाहिए। आर्योच से रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों का ये क्वेश्चन ध्यान में रखा जाए और इसे बोनस किया जाए इस क्वेश्चन में इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलने से, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलने से ये डिसाइड नहीं होता कि पार्ट जो जो पार्टिकल है वो पैरेलल चल रहा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब इतना सा है कि लाइन पैरेलल है, वो यूनिफॉर्म है, आप ध्यान रखें इस बात का। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या देखिए, इधर देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित द्विवाहक बल का मान केवल निर्भर करता है, केवल निर्भर करता है, ध्यान दीजिए, संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर पे, फैराडे का फर्स्ट लॉ है ये, ध्यान रखो आपको, यार कैसी बातें कर रहे हो, उसके बराबर ही तो होता है, तो वही तो क्वेश्चन पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आंसर देखिए, मात्रा के आधार पर बेमेल को पहचानिए, डिफरेंट को पहचानना है। अरे मैं कह रहा हूं इससे बढ़िया क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, इससे बढ़िया क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिए ध्यान से, ये अंडर रूट एलसी है और ये क्या आरसी है। अरे ये तो पिछले साल कम से कम शायद मेरे साथ साल दो साल पहले का क्वेश्चन है। समय नियतांक, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, तो ये तो टाइम, बच्चों को सबको पता था ये टाइम है, और बच्चों को ये भी पता था कि ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, और फ्रीक्वेंसी का उल्टा टाइम होता है। तो मुझे पता ये टाइम हो गया, ये टाइम हो गया, तो ऑब्वियसली बात है इसको भी टाइम होना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है इसको भी टाइम ही होना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा? बी, आंसर आएगा बी, बी मैच नहीं कर रहा, बी यहां पर फ्रीक्वेंसी है बच्चों, बी यहां पर फ्रीक्वेंसी है, बी यहां पर फ्रीक्वेंसी है, बी आंसर फ्रीक्वेंसी है भैया, बी यहां पर फ्रीक्वेंसी है। ओके ओके ओके, किसी बच्चे ने यहां पे बोला अलोंग, अलोंग लिखा हुआ है। ओके, किसी बच्चे ने बोला, ध्यान से सुनिए भैया, किसी बच्चे ने यहां पे कहा अलोंग लिखा हुआ है, अलोंग लिखा हुआ है, अलोंग का मतलब होता है उसी डायरेक्शन में, ठीक है, आंसर सही है, आंसर आएगा स्ट्रेट, आंसर स्ट्रेट ही आएगा भैया, अलोंग लिखा हुआ है यहां पे, अलोंग लिखा हुआ है, वो नहीं है करेक्ट आंसर, करेक्ट है भैया ये अलोंग है, ठीक है, सॉरी गाइस, आगे चलते, आगे चलते, अगला देखिए, अगला देखिए, अगला अगला क्वेश्चन क्या, ध्यान से सुने, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुने, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, खगोलीय दूरदर्शी के अभिदर्शक और अभिनेत्र लेंस की क्षमता 5 एवं 10 डायोप्टर है, इनसे प्रतिबिंब का अनंत पर बनता है, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी, क्या आवर्धन क्षमता होगी दूरदर्शी की, ध्यान दीजिए, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी, देखिए, m बराबर -FO/FE, m बराबर -FO/FE, अब देखिए FO/FE निकालना है, अब ध्यान दीजिए, ये क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, आपको पता है p = 1/f होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, 5 यहां रखोगे, 0.2 आया, p = 1/f ना, तो f = 1/p हो जाएगा, तो 0.2 मीटर आया, सेंटीमीटर में बदलो कितना जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20, तो ये एक काम करो मोड ले लो इसका, तो ये हो जाएगा 20/, उसके बाद ये कितना देगा, 20 दिया हुआ है, तो 1/20 का मतलब कितना होता है, 1/20 का मतलब कितना होता है, 0.05, अब इसको किससे गुणा करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5, तो 5 के साथ कितना आएगा, 4, आंसर कितना है भैया, 4। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जल्दी देखिए, जल्दी देखिए, अगला क्वेश्चन, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए भैया, ओके 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 ओके, अगला देखिए, आइए बच्चों अगला देखिए, अगला दिया हुआ है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक रेडियोएक्टिव नाभिक दिया हुआ है जिसमें 180 और 72 है, मतलब एटोमिक नंबर दिया हुआ है, एटोमिक मास तो दिया हुआ है 180 और एटोमिक नंबर दिया हुआ है 172, याद करो अल्फा, एक अल्फा और दो अल्फा निकले, एक अल्फा के अंदर 4 की कमी होती है, एक अल्फा के अंदर 4 की कमी है तो 2 में कितनी हो जाएगी, 8 की कमी हो जाएगी, एक अल्फा में 4 की कमी है तो 2 में कितनी हो जाएगी, 8 की कमी हो जाएगी, तो अगर 2 में 8 की कमी होगी तो 180 में से 8 गए तो 172, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अब इन दोनों में से कोई एक होगा। अब इन्होंने ये नहीं बताया बीटा माइनस है क्या, क्योंकि देखो ये माइनस तो यहां पे लगा हुआ है, यहां पे लगा हुआ है, यहां पे लगा हुआ है, तो ये माइनस नहीं है, ये बता रहा है बीटा निकला है,
और मैंने आपको कहा था कि जब भी आपको ये बोल दे, जब भी आपको कुछ नहीं बोला हो बीटा माइनस मानना है, बीटा माइनस में क्या होता है जेड प्लस वन होता है, ठीक है, तो इसके हिसाब से 69 होना चाहिए, ठीक है, अगर माइनस करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए भैया, इसका ऑप्शन आना चाहिए डी, आंसर आना चाहिए डी डी डी, ठीक है, आंसर डी, ठीक है। आगे देखिए भैया, आगे देखिए, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ये रहा 27 देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आ भी कंप्यूटर स्क्रीन पे, उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में कोणीय संवेग दिया हुआ है 2h/2π, 2h/2π का मतलब है NH/2π, n का मान कितना दिया हुआ बच्चों, 2 दिया हुआ है, n का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 n का मान 2 दिया हुआ है, अब मुझे बताओ n बराबर 1 होता है तो -13.6 होता है, n बराबर 2 होता है तो -3.4, डायरेक्ट सवाल है ये तो -3.4, ओके 100% दक्षता, 100% एफिशिएंसी, 100% एफिशिएंसी, 100% दक्षता का क्या मतलब होता है, 100% एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट पावर बराबर इनपुट पावर, अब आउटपुट पावर बराबर इनपुट पावर हो जाती है तो आउटपुट पावर बराबर इनपुट पावर हो जाती है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यहां पे ES IS बराबर EP IP हो जाएगा, इसका मतलब है आपसे क्या पूछा है, प्राथमिक और द्वितीयक का पूछा है, तो कहने का मतलब हो जाएगा EP/ES बराबर हो जाएगा IS/IP, बट आपको रेशियो किसका दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है, आपको दिया हुआ प्राथमिक और द्वितीयक का दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो जाएगा 2:1, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ओके ध्यान दीजिए भैया, डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन है दिल्ली आवर्ती, ओहो मजा आ गया वैसा सवाल में, आपको बोला है दिल्ली आवर्ती से अधिक आवर्ती, इन फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अरे ज्यादा डाल रहे हो, अब मैंने आपको बताया था कि अगर ज्यादा डालते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स के बराबर होती है, अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होती है, बराबर होती है, देखो सरफेस से निकालने, आइंस्टीन ने क्या बोला था, अगर कोलिजन नहीं होता है उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, तो ध्यान दीजिए, तो आप डाल रहे हो ज्यादा, डालने का मतलब क्या है, जितने डालोगे उतने ही निकलेंगे, तो यहां पर आएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन मेटल, आंसर है भैया डी। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ई और बी एक विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों में है, तो भैया मैंने पता पॉइंटिंग सदिश बताया था, पॉइंटिंग सदिश ई क्रॉस बी, आपको अच्छे से पता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में ई होता है ऊपर, बी होता है, ई होता है वाई पर और बी होता है जेड पे, तो वो चलेगी एक्स में, तो ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में आएगी भैया, ऑप्शन नंबर सी, ये तो सबका सही हुआ होगा, ये सबका सही हुआ होगा। क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, ओहो भैया ये तो खतरनाक क्वेश्चन है, बच्चे है ना इसको सब ज्यादा गलत करके आया, मैं तो कह रहा हूं सबसे इजी क्वेश्चन यही है, ये क्या कह रहा है, πq/ε0, इसने बोला यूनिट पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है, एकांक धनावेश का मतलब है क्यू बराबर एक डाल दो, तो फाई का मान आ जाएगा 1/ε0, तो ε0 -1 आएगा भाई साहब, ε0 -1 गाइस, ε0 -1, ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी माध्यम का पूर्णांक √3 है, ब्रूस्टर लॉ, आधे बच्चे तो इसे फंस गए, ध्रुवण कोण, एक्चुअली टीचर भी क्या करता है, टीचर भी जनरली ब्रूस्टर ही बोलता है, ठीक है, तो ध्रुवण कोण ब्रूस्टर एंगल ही ध्रुवण कोण होता है, ठीक है, पोलराइजेशन एंगल होता है, अब बच्चों को क्या लगाना था, μ = 10 IP होता है बच्चों, μ = 10 IP, तो आईपी का मान कितना आ गया बच्चों, आईपी का मान आ गया 10 inverse μ, और μ का मान कितना दिया √3, 10 √3 कितने पे होता है, 10 60 पे √3 होता है, 10 60 पे कितना होता है बच्चों √3, तो आंसर है बच्चों 60 degree, आंसर है बच्चों 60 degree, बच्चों अगला क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, नति कोण एंगल ऑफ डिप आपको पढ़ाया था मैंने, पोल पे होता है 90 degree और भूमध्य रेखा इक्वेटर पे कितना होता है बच्चों 0 degree होता है, बच्चों कितना होता है 0 degree, मैं लास्ट में यही कहूंगा बच्चों आपसे, कि गुरु नरसिंह परिवार से जुड़िए, और गुरु नरसिंह परिवार 3 नवंबर को नया बैच स्टार्ट कर रहा है, अभी जाना नहीं है, केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चलेंगे, लेकिन सबसे पहले इंफॉर्मेशन देना बाकी है, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट, राजस्थान का सबसे
ज्यादा सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट गुरु नरसिंह परिवार। और आप चेक कर लो यूट्यूब पे टाइम डाला हुआ है, सबसे पहले लाइव सॉल्यूशन गुरु नरसिंह परिवार ने दिया है, सबसे पहले लाइव सॉल्यूशन गुरु नरसिंह परिवार ने दिया है। जाना नहीं है, 3 नवंबर याद रखो, 3 नवंबर गुरुवार, 3 नवंबर गुरुवार दीपावली बनाओ। दीपावली का तोहफा गुरु नरसिंह परिवार ने आपको दिया है। हमारे पास कुछ बच्चों के फोन आ रहे हैं, सर हमारे 90+ आ रहे हैं, सर हमारे SMS मिल जाएगा क्या? अरे जिसके 90+ है उसे SMS आ रहे हो, जस्ट फिक्स है, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दीपावली मस्त बनाइए, फोन डालिए, आग लगा दी है आप लोगों ने, आग लगा दी है बच्चों। कई इंस्टीट्यूट सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं हम लोगों ने आपको सॉल्यूशन दिया है, यही सॉल्यूशन आपका सेलिब्रेशन है। और आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में आपको याद रखें, आप हम भी हमारा ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे, चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो मैं इनवाइट करूंगा हमारे माली राम जी सर, मोस्ट पावरफुल केमिस्ट्री टीचर, मैं आपको स्वागत करूंगा। यस सर, प्लीज सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बच्चों केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम, हाँ बेटे क्वेश्चन से केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाली थी बेटे आपके, तो इसमें पहला पूछा है बेटे प्रबल लिगेंड नहीं है, विच इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो ये सिंपल क्वेश्चन है बेटे, आपको लिगेंड के बारे में पढ़ाया होगा, लिगेंड दो प्रकार के होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और एक वीक लिगेंड। तो यहाँ पे पूछा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है तो इसका मतलब वीक लिगेंड कौन है, तो सिंपल है बेटे अमोनिया। सिंपल क्या है, सिंपल है बेटे अमोनिया आएगा इसमें आंसर। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन नहीं है, द नॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सिंपल आंसर आएगा बेटे अमोनिया। सेकेंड क्वेश्चन है बेटे 35, निम्न में कौन सा यौगिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ रिएक्शन, सॉरी निम्न में कौन सा यौगिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ क्रिया करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्शन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो बेटे आपको बता दूं सोडियम हाइड्रोक्साइड ओनली फिनोल के साथ ही रिएक्शन करता है बेटे, किसके साथ, फिनोल के साथ, फिनोल की रिएक्शन दी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हो, किसके साथ कराते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हो, तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है बेटे, जो क्या होता है मोर स्टेबल कंपाउंड होता है बेटे। तो सिंपल आंसर आएगा बेटे फिनोल, सिंपल आंसर आएगा बेटे फिनोल। अगला क्वेश्चन है बेटे 36, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 36, ये रिएक्शन बोल रहा है बेटे कैटलिस्ट पे रिएक्शन है, ये किसी अभिक्रिया में निकलने वाली ऊर्जा व अवशोषित ऊर्जा उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेटे, ये इन द प्रेजेंट ऑफ कैटलिस्ट इज हीट इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो आपको मैंने बेटे कैटलिस्ट के बारे में पढ़ाया होगा, कैटलिस्ट का काम होता था बेटे आपको मैंने एनर्जी और रिएक्शन, रिएक्शन पथ में आपको रिएक्शन कराई होगी रिएक्शन। तो यहाँ पे ये ग्राफ ऐसा आता था बेटे, ये रिएक्टेंट होता था और ये क्या होता था प्रोडक्ट। और आपको उस टाइम पे बताया होगा यदि कोई कैटलिस्ट आप डालते हो, कैटलिस्ट क्या करते हो इन्वॉल्व करते हो, तो कैटलिस्ट क्या करता है एक वैकल्पिक पथ प्रदान करता है, ओनली क्या करता है एक सीधा रास्ता बनाता है, वो क्या करता है एक्टिवेशन एनर्जी में क्या करता है कमी करता है। तो बेटे देखो एक्टिवेशन एनर्जी, ये रिएक्शन होती थी बेटे फॉरवर्ड रिएक्शन और ये रिएक्शन होती थी बेटे बैकवर्ड। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में क्या होती थी सेम होती थी, तो एंथैल्पी, एंथैल्पी आता बेटे रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड माइनस रिएक्शन ऑफ बैकवर्ड, ये दोनों दोनों की वैल्यू क्या आती है बेटे सेम आती, इक्वल आती है, तो एंट्रोपी का वैल्यू भी क्या होती है बेटे सेम होती है। तो इसमें सिंपल आएगा बेटे अपरिवर्तित, क्या आएगा रिमेंस अनचेंज, सिंपल आएगा उत्प्रेरक की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो एनर्जी लेवल है वर्मा, तो एब्जॉर्प्शन होता है ना एब्जॉर्प्शन, ओनली क्या होता है बेटे अपरिवर्तित या यूनिचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, ये क्वेश्चन तो आपको सिंपल है बेटे, आपको पैकिंग फिक्शन पूछा है इसमें, बीसीसी स्ट्रक्चर की पैकिंग फिक्शन। तो सिंपल आपको मैंने बताया था 68% पैकिंग फिक्शन किसकी होती है बेटे, सिंपल बताया था आपको बीसीसी स्ट्रक्चर की पैकिंग फिक्शन होती है 68.2%। सीधा क्वेश्चन है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटे, आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है बेटे इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस
या फिर आपने मेटल एनर्जी में पढ़ा होगा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, तो आप बेटे आपको बता दूं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, मेटल का प्यूरिफिकेशन प्यूरिफिकेशन ओनली इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा किया जाता है। और ओनली मेटल्स का इसका, मेटल्स का इसके द्वारा क्या कर सकते हैं बेटे प्यूरिफिकेशन। तो अपने पास यहाँ पे दो ही मेटल है, एक तो जस्ता और एक तांबा या जिंक या कॉपर। वो दिक्कत बेटे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, निम्न में से संघनन बहुलक नहीं है या विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट कंडक्शन पॉलीमर। तो बेटे आपको बता दूं, आपको ये संघनन जो शब्द है, संघनन पॉलीमर या कंजुलेशन पॉलीमराइजेशन, कंजुलेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है उसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकलते हैं बेटे। कौन निकलते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जैसे CO2 निकले, वाटर निकले, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकले, ऐसे मॉलिक्यूल निकले, वो रिएक्शन कहलाती है बेटे संघनन बहुलकीकरण। कौन सी कहलाती है? संघनन बहुलकीकरण। लेकिन आपको पूछा क्या है? नहीं है। तो नहीं है, मैं आपको बताऊं बेटे, आंसर आएगा आपके नियोप्रीन की बात करूं मैं, नियोप्रीन, नियोप्रीन होता है बेटे ऐसे, सॉरी नियोप्रीन का जो मोनोमर यूनिट होती है वो होती है बेटे 2-chloro-but-1,3-diene। इसकी पॉलीमराइजेशन करोगे तो बेटे इसमें कोरिजन नहीं होगा, संघनन नहीं होगा, तो सिंपल आएगा नियोप्रीन। तो 39 में आंसर आएगा बेटे आपके नियोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है बेटे आपको। मैं बताना चाहूंगा यदि आपके पास प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन का मतलब होता है बेटे कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड बेटे, आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड कोई से भी आ जाए, कार्बोनिल कंपाउंड ओनली एक रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ना भी किसी योगात्मक अभिक्रिया शो करता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन आया बेटे, प्रोपेनॉन से साइनोहाइड्रिन के बनाना का बनाना बनाना किस तरह की अभिक्रिया है। तो बेटे आपको बता दूं प्रोपेनॉन आ गया आपके पास, प्रोपेनॉन होता है बेटे कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड ओनली एक रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं बेटे NAR रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट चलते हैं बेटे, आपको जब डी ब्लॉक वाला चैप्टर पढ़ाया गया था एक्टिनोइड और लैक्टिनोइड, तो आपको सिंपल पूछा है बेटे यहां पर, इसमें सिंपल पूछा है ट्रांजिशन तत्व जिसका ऑक्सीडेशन अवस्था कितनी, सॉरी डी ब्लॉक वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था बेटे ट्रांजिशन तत्व का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास आएगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन नंबर आएगा, वो आएगा बेटे लास्ट में आएगा 3d5। इसका आणविक क्रम क्या होगा? तो बेटे आपके देखो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर दे दिया 3, इसका मतलब कोई मेटल है, उस मेटल पर जो चार्ज आता है, चार्ज क्या कहलाता है बेटे ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज क्या कहलाता है बेटे ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसका लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन विन्यास आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटे 3d5, कितना 3d5, इसका मतलब 4s क्या है बेटे पूरा खाली है। तो देखो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, प्लस 3 निकाल दिए, माना कि प्लस 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो आप, इसमें क्या हो जाएगा बेटे 3d5 में आप 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो 4s2 और 3d6। तो आपको बता दूं लास्ट में इलेक्ट्रॉन विन्यास किसका आता है बेटे, एटमिक नंबर 26 वाले का आता है बेटे, किसका आता है 26 का। तो किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, ये क्वेश्चन आपको बेटे सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन पूछा गया है यहां पे। तो बीसीसी स्ट्रक्चर में आपको मैंने खुद ने पढ़ाया था, बीसीसी स्ट्रक्चर में एड लेंथ भुजा की लंबाई और त्रिज्या में संबंध बताया था बेटे, रेडियस में रिलेशन बताया था, एड लेंथ और रेडियस में रिलेशन। तो आपको मैंने बताया था R बराबर होता था √3/4 होता था बेटे,
या इसको आपको मैंने उस टाइम बताया था ए बराबर हो सकता है, इसको क्रॉस मल्टीपल कर दो बेटे, 4R अपॉन क्या हो जाएगा बेटे रूट 3। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट ये ना पूछ के आपको क्या पूछ लिया ए बराबर क्या होगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा बेटे 4R अपॉन रूट 3। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा बेटे 2 आ जाएगा क्या, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो बेटे। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इजी क्वेश्चन आया बेटे, आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछी है बेटे, आपको के की यूनिट पूछी बेटे। आपको मैंने बताया था इसका यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता था बेटे मोल अपॉन लीटर 1 - n और सेकंड इनवर्स होता था बेटे। तो आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पूछिए, किसमें पूछिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू कितनी आती है बेटे जीरो, तो एन का मान जीरो रख दो बेटे, तो 1 - n, 1 - n, एन का मान जीरो हो गया तो क्या जाएगा बेटे मोल अपॉन लीटर। और देखो बेटे यहां पे सेकंड इनवर्स है, सेकंड इनवर्स का मतलब 1/2, तो ऐसा ऑप्शन किसमें आ रखा है, तो बेटे यहां देखो आप मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटे बी हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो पूछ लो बेटे कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे गए वो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए बेटे। आपको अगला क्वेश्चन पूछा है बेटे विच ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिडिक, विच ऑफ द मोर एसिडिक, तो बेटे आपको बता दूं पिरामिड में ग्रुप में आप अप टू डाउन जाओगे, जैसे आप ग्रुप में अप टू डाउन जाओगे जैसे HF है, HCl है, HBr है और HI है, ग्रुप में अप टू डाउन जाओगे तो बेटे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, आयोडीन का एटमिक नंबर ज्यादा है, एटमिक नंबर ज्यादा है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कोषों की संख्या ज्यादा है, कोषों की संख्या ज्यादा है तो बेटे आकार क्या रहेगा ज्यादा रहेगा, तो इसमें आप देखोगे हाइड्रोजन और आयोडीन के मध्य बोन लेंथ क्या रहेगी बेटे ज्यादा, और यहाँ पे एच और एफ का आकार क्या है साइज क्या है बेटे छोटी है, इस कारण जो बोन लेंथ रहेगी, बोन लेंथ क्या रहेगी बेटे वो स्मॉल रहेगी छोटी रहेगी, तो यहाँ पे बोन लेंथ बंध लंबाई बड़ी है तो बंध इजिली टूटेगा, बंध इजिली टूटेगा तो एच प्लस आइन डोनेट करने की कैपेसिटी क्या रहेगी एच आएगी ज्यादा रहेगी, एच आई एच प्लस आइन क्या देगा ज्यादा डोनेट करेगा, ज्यादा डोनेट करेगा तो बेटे जो जितने ज्यादा एच प्लस आइन डोनेट करता है वो उतना ही ज्यादा क्या होता है बेटे स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता क्या, और आपको पूछा है बेटे स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन है तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक है बेटे एच आई। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा आपको सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है विच ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सिंपल है बेटे एच आई। नेक्स्ट चलते हैं बेटे आपके, आपको बेटे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाभिक से योगात्मक अभिक्रिया में पढ़ाया था SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया, तो ये क्वेश्चन पूछा आपको SN1 अभिक्रिया में आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा है बेटे, क्या पूछा है रिएक्टिविटी ऑर्डर क्रियाशीलता क्रम पूछा है, तो बेटे आपको आपको क्रियाशीलता क्रम में बता दूं आपको HI का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा सबसे ज्यादा रहेगा बेटे, HI का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा बेटे सबसे ज्यादा रहेगा बेटे, HI का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा सिंपल है याद रखना पड़ेगा बेटे HI का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा बेटे सबसे ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटे, नेक्स्ट बेटे IUPC नेमिन कल्चर चल रहा है बेटे, IUPC नेमिन कल्चर में IUPC नेमिन कल्चर का तरीका होता है बेटे सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग चेन बनाओ, क्या बनाओ स्ट्रॉन्ग चेन बनाओ, फिर दूसरी चीज होती है बेटे नंबरिंग करना है, नंबरिंग करना है तो नंबरिंग यहां से करते हैं, यहाँ पे क्या आ गया ये फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग यहां से हो जाएगी 1, 2 और 3। अब तीसरा रूल होता है थर्ड रूल जो होता है वो होता है बेटे नाम लिखना, तो कभी भी नाम लिखो तो बेटे बीक लिखे, बीक का आपके फंक्शनल ग्रुप होता है या तो ब्रांच या ग्रुप, तो बी ग्रुप का नाम पहले लिखते हैं, तो देखो बेटे ये ब्रांच लग रही है ब्रांच मेथेन, ये मेथेन किससे जुड़ रहा है एमीन से, तो बेटे एन से जुड़ रहा है क्या इसलिए क्या जाएगा एन मिथाइल, क्या जाएगा बेटे एन मिथाइल। फिर आता है बेटे लॉन्ग चेन का नाम लिखते हैं, लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है बेटे 3, 3 कार्बन को प्रोप, क्या बोलते हैं बेटे प्रोप, और देखो बेटे नंबरिंग इधर से स्टार्ट हुई इसलिए 1 और 2 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड लग रहा है, डबल बॉन्ड को बोलते हैं बेटे इन, क्या बोलते हैं इन, और बेटे 1 पे एमीन लग रहा है, क्या लग रहा है स्ट्रॉन्ग ग्रुप एमीन।
वन पे क्या लग रहा है एमीन, तो सिंपल नाम क्या हो जाएगा एन मिथाइल प्रोपेन टू इन वन एमीन, तो करेक्ट ऑप्शन आ गया बेटे सी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया बेटे सी आ गया बेटे, कौन सा आ गया सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटे, जिगलर नाटा उत्प्रेरक में टाइटेनिक टेट्राक्लो टाइटेनिक किसमें विलय होती है, तो सिंपल आंसर है जिगलर नाटा उत्प्रेरक में जो TiCl4 में जो सोल्यूबल होता है वो कौन होता है ट्राई ट्राई ट्राइथाइल एल्यूमिनियम। अब सर काफी बच्चे पूछेंगे सर ये तो खुद जिगलर नाटा बनाने में उपयोग होता है बेटे, तो बेटे आपको तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो होता है वो बेटे आपके पॉलीथीन बनाने के लिए कैटलिस्ट का काम करता है बेटे। पॉलीथीन जो बनाते हो आप उसमें पॉलीथीन में कैटलिस्ट का काम करता है, लेकिन आपको यहां पूछा क्या है जिगलर नाटा कैटलिस्ट किसमें सोल्यूबल है किसमें डिजोल्व है, डिजोल्व बेटे ओनली किसमें रहेगा ट्राई मिथाइल ट्राइथाइल एल्यूमिनियम में होगा बेटे ट्राइथाइल एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, बेटे आपने एल्कोहल वाला फिनोल वाला ये चैप्टर पढ़ा होगा बेटे, यहां पे एल्यूमिनोक्साइड होता है, एल्यूमिनोक्साइड का काम होता है बेटे हमेशा ध्यान रखना एक रिड्यूसिंग का काम करता है बेटे, एक किसका काम करता है रिड्यूसिंग का काम करता है। बहुत ही इजी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा बेटे ऑक्सी, आपको एल्कोहल फिनोल और इथर या कार्बोनिल कंपाउंडों में सर ने बताया होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडाइज रिएजेंट और रिड्यूसिंग रिएजेंट, तो एल्यूमिनियम 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 नाइट्रोक्साइड्स ये बेटे रिड्यूसिंग रिएजेंट का काम करता है बेटे, किसका काम करता है रिड्यूसिंग रिएजेंट का, तो खुद का क्या करेगा रिड्यूस करेगा, कोई दिक्कत चले आगे। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन पूछा बेटे आपको कोरिजन के बारे में पूछा, कोरिजन का क्या पूछा है बेटे फॉर्मूला, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रस्ट, जंग का फॉर्मूला पूछा है बेटे, तो जंग बनाने की विधि आपको बताई थी बेटे, जंग बनाने की विधि होती थी बेटे इलेक्ट्रोलाइसिस विधि होती थी, एनोड और कैथोड सेल में जो रिएक्शन होती थी एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती थी और कैथोड पे क्या होता था अपचयन अभिक्रिया होती थी बेटे, तो जंग में क्या होता है आयरन, आयरन तो एनोड का काम करता है और जो नमी होती है वायुमंडल में जो नमी होती है जैसे CO2 गैस और जल आपस में मिलके बेटे कैथोड का काम करता है और फेरस ऑक्साइड डॉट XH2 का निर्माण करता है। सिंपल है बेटे ये याद रखने वाली चीज थी, जंग का फॉर्मूला तो होता है बेटे Fe2O3 डॉट XH2, यहाँ पे XH2 का मतलब होता है कितने भी जल के अणु हो सकते हैं इसमें, कितने भी जल के अणु प्रेजेंस हो सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बेटे डिटोल का फॉर्मूला पूछा बेटे, बेटे आपके एवरीडे लाइफ ऑफ केमिस्ट्री में आता है, दैनिक जीवन में जो रसायन वाला चैप्टर आपके एवरीडे लाइफ ऑफ केमिस्ट्री डिटोल का फॉर्मूला बेटे, डिटोल ध्यान रखना टर्पिनोल और क्लोरोजाइलोल से मिलकर बनी होती है बेटे, टर्पिनोल और क्लोरोजाइलोल से मिलकर बनी होती है बेटे, जब जो अपन दैनिक जीवन में अपन डिटोल यूज लेते हैं डिटोल दो केमिकलों दो यौगिकों से मिलकर बनी होती है बेटे, कितने यौगिकों से दो यौगिकों से मिली होती है, उसका नाम होता है बेटे टर्पिनोल और क्लोरोजाइलोल, बस याद रखना था बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपको सीएफटी सिद्धांत से क्वेश्चन आ गया बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से आ गया सीएफटी थ्योरी से बेटे, आपने कोऑर्डिनेट कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में आपने सीएफटी सिद्धांत पढ़ा होगा बेटे, सीएफटी थ्योरी, सीएफटी थ्योरी में आपने डी ब्लॉक वाला जो एलिमेंट था डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक अपने पास तीन डी उपकोष होता है, डी उपकोष में पांच कक्षक होते हैं डीएक्सवाई डीवाईजेड डीएक्सजेड डी एच स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये होता है बेटे डी जेड स्क्वायर बेटे, ये तो जो तीन कक्षक होते हैं ये तो होते हैं टी टू जी कक्षक और ये जो होते हैं वो होते हैं बेटे ईजी कक्षक, आपको यहाँ पे एनर्जी लेवल कराया होगा, ये तो होते थे बेटे ईजी कक्षक ईजी ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये बेटे डी जेड स्क्वायर और टी टू जी कक्षक होते थे बेटे नीचे, क्या होते थे नीचे डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड बेटे, आपको सर ने कराया होगा लिगेंड दो प्रकार के होते थे, एक तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और एक वीक लिगेंड, वह लिगेंड जिसमें जो एनर्जी लेवल होता है डेल जीरो इसकी वैल्यू ज्यादा रहे पी पी की वैल्यू क्या रहे कम रहे, तो इसका मतलब यहां का इलेक्ट्रॉन ऊपर ये आप टी टू जी का इलेक्ट्रॉन ये कौन होता था बेटे टी टू जी कक्षक और ये होता बेटे ईजी कक्षक, टी टू जी का कक्षक कहां नहीं जा सकता ईजी में नहीं जा सकता, तो आपको पूछा बेटे डी फोर में किसमें डी फोर में, इसका मतलब डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है चार,
तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया तो कहां पर जाएंगे वो, नीचे वाले कक्षक में। तो देखो बेटे T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, T2G में 4 हो गए क्या। और बेटे EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, EG में कितने है बेटे, 0। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा आ गया बेटे, सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटे, सेकंड ऑप्शन होगा क्या, कोई दिक्कत। नेक्स्ट चले, अगला क्वेश्चन है बेटे, जो दूध होता है, जो मिल्क होता है आपके पास, उसको आप स्टेबल रखने के लिए, स्थायी रखने के लिए, तो उसमें कौन सा कारक होता है, जो मिल्क होता है, मिल्क को स्टेबल रखने के लिए जो कैटलिस्ट जो यूज होता है दूध में, वो क्या होता है। तो बच्चे काफी बोलते हैं सर लेक्टोज होता है बेटे, ये तो लेक्टोज शर्करा होती है, लेक्टोज शर्करा तो ओनली दूध में मीठापन उत्पन्न करता है बेटे। आपको बता दूं लैक्टोज नहीं होता, ओनली क्या होता है केसिन, केसिन एक ऐसा कारक है जो दूध को लंबे समय तक बनाए रखता है, लंबे समय तक क्या करता है बेटे, स्टेबल रखता है। तो लॉन्ग टाइम तक स्टेबल बनाने के वाला जो कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है बेटे, केसिन होता है, क्या होता है केसिन। कोई दिक्कत। नेक्स्ट बेटे, साम्यावस्था पर किसी वाष्पशील द्रव में सोडियम सॉलिड को विलय करने के लिए दर होगी बेटे, आप के इक्विलिब्रियम फेज में कोई वेपर सॉल्यूशन है उसमें आप अपना नमक मिला रहे हो, नमक क्या है सॉलिड, नमक मिला रहे हो, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेटे इक्विलिब्रियम में कोई चीज है तो कुछ भी मिला दो वो कैसा रहेगा बेटे, इक्विलिब्रियम फेज में रहेगा, तो सिंपल आएगा क्रिस्टलाइजेशन की दर क्या रहेगी, इक्वल टू ऑफ द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन की रेट क्या रहेगी बेटे, कॉन्स्टेंट रहेगी, रेट क्या रहेगी कॉन्स्टेंट, क्योंकि वो शुरू में किसमें है, साम्यावस्था में क्या, इक्विलिब्रियम फेज में कोई चीज हो तो कैसी रहेगी बेटे, कॉन्स्टेंट होगी, कैसी रहेगी कॉन्स्टेंट। तो करेक्ट आंसर होगा आएगा बेटे इक्वल टू ऑफ द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इक्वल ऑफ द रेट ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटे 54, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना भाई कमेंट करके, सॉरी सॉरी बेटे, आपको पूछा है निम्न में किसका अस्तित्व नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सेप्ट बेटे, जो कभी किसी से बंदी नहीं बनाए, तो आपके होता है बेटे 18वां ग्रुप हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन, ये चार एलिमेंट ऐसे होते हैं किसी से मतलब ही नहीं रखते, ओनली जिनोन जिनोन एटीन वाले ग्रुप में ओनली जिनोन एक ऐसा ग्रुप है जो क्या कर लेता है, लार्जेस्ट आकार होने के कारण, बड़ा आकार होने के कारण क्या कर लेता है, और मेटल के साथ और एलिमेंट के साथ क्या कर लेता है, बंद बना लेता है। तो किसका अस्तित्व नहीं रहेगा, ध्यान रखना डायरेक्ट नियोन, नियोन किसी के साथ बंद ही नहीं बनाता, तो नियोन फ्लोरिन के साथ रिएक्शन करेगा क्या, जब फ्लोरीन के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा तो नियोन डाइफ्लोरो नियोन बनाएगा क्या, नहीं। तो इसका अस्तित्व रहेगा क्या, नहीं। तो अस्तित्व किसका नहीं है, विच ऑफ दैट डज नॉट एक्सिस्ट, कौन आ जाएगा बेटे, डाइफ्लोरो नियोन। नेक्स्ट चलते हैं बेटे, आपको केमिस्ट्री में इतना क्वेश्चन इजी पूछा है, डायरेक्ट नोट्स से आए बेटे, आपको डायरेक्ट बताया था लैंथेनॉइड, लैंथेनॉइड जो एलिमेंट होता है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटे प्लस की तीन होती है बेटे, प्लस की तीन होती है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे बेटे आपको डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन बेटे आपके डायरेक्ट आया है एवरीडे लाइफ ऑफ केमिस्ट्री से, दैनिक जीवन में रसायन से, दैनिक जीवन में रसायन से, ये विटामिन वाले टॉपिक से क्या है बेटे क्वेश्चन आया आपके, विटामिन वाले क्वेश्चन से क्या टॉपिक से क्या है बेटे क्वेश्चन आया, पूरी सानी आपके एनसीईआरटी की किताब में, आपकी किताब में क्या है पूरी सानी है, जीरोप्थिलीन जीरोप्थेलीमिया डिजीज किस विटामिन की कमी से होती है। तो बेटे आपको बता दू यहाँ पे आंसर गलत है, B12 होता है बेटे, क्या होता है B12 है, या विटामिन बी आ गया तो आप मान सकते हो उसको, लेकिन यदि विटामिन के भी रूप होते हैं बेटे B2 B6 B12 है B4 विटामिन के होते हैं बेटे, टाइप्स होते हैं बेटे, तो जीरोप्थेलीमिया जो डिजीज होती है बीमारी होती है वो कौन सी विटामिन की कमी से होती है, विटामिन B12 की कमी से होती है बेटे। तो वैसे देखा जाए तो विटामिन बी तो है, देखा जाए तो विटामिन बी तो आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बेटे, बी आ जाएगा बेटे, कौन सा आ जाएगा बी, कोई
अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटे 57 में पूछा है बेटे फिनोल किससे कम अम्लीय है, फिनोल इज लेस एसिडिक दिस, तो फिनोल आपको बेटे मेरे अम्लीय सामर्थ्य कराया था, अम्लीय एसिडिक करेक्टर बताया था, तो फिनोल फिनोल और मैंने एल्कोहल में कराया था बेटे, फिनोल और एल्कोहल में कराया था आपको बेटे एसिडिक करेक्टर, तो आपने बताया था सर फिनोल का एसिडिक करेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि सर फिनोल में रेजोनेंस होता है, क्या होता है रेजोनेंस, इस कारण फिनोल एच प्लस आयन डोनेट करने की कैपेसिटी क्या रहती है बेटे, जल्दी रहती है, फिनोल जल्दी एच प्लस आयन देता है, जबकि एल्कोहल एल्कोहल में क्या होता है बेटे, एल्कोहल में अनुनाद रेजोनेंस नहीं होता, इस कारण एच प्लस आयन डोनेट करता तो है लेकिन इसकी तुलना में धीरे, तो यहां पे स्ट्रॉन्ग एच प्लस आयन जो जितने ज्यादा डोनेट करे, जितनी जल्दी डोनेट करे उसका एसिडिक करेक्टर क्या रहेगा बेटे, उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन है बेटे, फिनोल, और एल्कोहल का एसिडिक करेक्टर क्या रहेगा, कम रहेगा, तो आपको ऑप्शनों में पूछा है फिनोल किससे अम्लीय कम अम्लीय है, फिनोल इज लेस एसिडिक दिस, तो यहां पे देखो पहला ऑप्शन देखो बेटे, पहला ऑप्शन देखो प्रोपेनोल, हिंदी में थोड़ा आपको अलग लग रहा है, तो इंग्लिश में देखो प्रोपेनोल, बस यहां पे नोल आना चाहिए, नोल हो गया, प्रोपेनोल, प्रोपेनोल है क्या, एल्कोहल ही तो है, और फिनोल से कम एसिडिक कौन है, एल्कोहल ही तो आएगा बेटे, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा बेटे, प्रोपेनोल, तो ऑप्शन के नंबर कितना आ गया बेटे, पहला। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपके 16वें वाले चैप्टर से आया बेटे, दूसरा नंबर का जो चैप्टर है आपके, ये थोड़ा सा एजोट्रोपी होता है बेटे, एजोट्रोपी जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोपी होता है बेटे, मैक्सिमम एजोट्रोपी होता है, एजोट्रोपी, एजिट्रोपी आपको बता दूं बेटे, एसिटो एसिटोन प्लस क्लोरोफिनोल का जो मिक्सर होता है उसका एजिट्रोपी क्या होता है बेटे, सबसे ज्यादा होता है एनसीईआरटी में, आपके आपके कौतनांग यूनियन के बाद भी दे रखा है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट टॉपिक है बेटे ये, एसिटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसिटोन प्लस क्लोरोफॉर्म का ही स्ट्रॉन्ग क्या होता है बेटे, एजिट्रोपी होता है बेटे, बॉइलिंग एजिट्रोपी होता है बेटे। नेक्स्ट चलते हैं बेटे, इंधन सेल आपके होता है नेम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस यूज ऑफ फ्यूल सेल, फ्यूल सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस के रूप में किसका उपयोग करते हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, फ्यूल सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस के रूप में किसका यूज करते हैं, तो आपको बता दो फ्यूल सेल जो होता है ना, फ्यूल सेल में एनोड, एनोड तो हाइड्रोजन के रूप में काम करता है, जो एनोड है ना, एनोड हाइड्रोजन कैथोड, कैथोड पे ऑक्सीजन निकलता है, और जो इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन जो होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन ध्यान रखना एक वर्ष जलीय, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है बेटे, क्या होता है जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आपके इंधन सेल होता है फ्यूल सेल होता है, फ्यूल सेल में आपको पूछे एनोड, एनोड पे क्या निकलता है हाइड्रोजन गैस, कैथोड पर ऑक्सीजन गैस, और आपको इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन पूछा बेटे, इंधन सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइज है जो तो अपघटनीय है, तो सिंपल है जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या है सॉरी जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया बेटे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो पूछा है सरफेस केमिस्ट्री से पूछा है बेटे, पेस्ट्री रसायन से पूछा है, पेस्ट्री रसायन में भी आपको कोलाइड वाला जो टॉपिक है स्कंदन, किससे पूछा है स्कंदन, किससे पूछा है स्कंदन, मैक्सिमम कोंजुलेशन वैल्यू, मैक्सिमम कोंजुलेशन वैल्यू आपको बताना चाहूं बेटे, सिर्फ कोंजुलेशन क्या होता है या स्कंदन क्या होता है, स्कंदन का मतलब बेटे आपको मैंने कोलाइड के बारे में बताया था, कोलाइड पे चार्ज होता है, ये तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आपको बताया था, कोलाइड पे चार्ज होता है, एक तो पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, इन दोनों चार्ज में से कोई भी हो सकता है, तो यदि कोई पॉजिटिव चार्ज वाला कोलाइड है तो उसमें क्या डाल दो, नेगेटिव चार्ज डाल दो, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में क्रिया कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे और क्या हो जाएगा बेटे, न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल होते क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा तो नीचे पेंदे में बैठेगा, पेंदे में बैठेगा उसको क्या बोलते हैं बेटे, स्कंदन या कोंजुलेशन बोलते हैं बेटे, बोलते हैं या नहीं, अब किसकी ज्यादा रहेगी, बिल्कुल, तो बेटे जिसमें जितना ज्यादा चार्ज रहेगा, जितना ज्यादा क्या रहेगा मैक्सिमम चार्ज, कोंजुलेशन पावर क्या रहेगी बेटे उसका, कोंजुलेशन वैल्यू क्या रहेगी ज्यादा, तो आपको पूछा है ये होल बेटे, आपको बताना चाहूं इस पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज वाला आप यहां पे लाओगे, नेगेटिव चार्ज डालोगे तो इसका कोंजुलेशन पावर क्या रहेगा, स्कंदन, अधिकतम स्कंदन होगा क्या, तो सर नमक, नमक आप प्लस में और माइनस,
नमक डाल दो सर, बिल्कुल नमक डालेंगे तो यार क्लोरीन पे माइनस है, माइनस वाला प्लस की जगह क्या हो जाएगा, क्रिया करेगा, न्यूट्रल कर देगा और इसको पैने में बैठा देगा, स्कंदन कर देगा, क्या कॉन्जुलेशन हो जाएगा, करे हो जाएगा सर बेटे। लेकिन फिर ये भी तो है, सोडियम पे प्लस और SO4 पे कितना चार्ज आ रहा है बेटे, माइनस दो। सर ये भी डाल सकते हो, ये भी डाल सकते हो, तो फिर यार ये भी तो है सोडियम सल्फाइड प्लस और सल्फर पे कितना चार्ज, माइनस दो, इस पे भी माइनस दो चार्ज आ रहा है, तो ये भी तो डाल सकते हो। हाँ यार सर ये भी डाल सकते हैं बिल्कुल, तो यार सोडियम फास्फोरेट भी डाल सकते हो ना, तो देखो सोडियम पे तो कितना चार्ज प्लस वन और फास्फोरस पे माइनस तीन। सर चारों कंपाउंड डाल सकते हैं, तो आपको पूछा क्या है, अधिकतम पूछा है, तो बेटे धनायन में वो नेगेटिव डालो जिसमें चार्ज क्या है ज्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज किसमें ज्यादा है, सोडियम फास्फोरेट है क्या, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, फोर्थ। करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा बेटे, फोर्थ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है बेटे, अनकरेक्ट ऑफ द एसिडिक स्टेंस, अम्ल सामर्थ्य का कौन सा क्रम क्या है गलत सही नहीं है, तो बेटे आपको पहले क्वेश्चन बता दूं, एसिडिक करेक्टर अम्ल करेक्टर, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, एसिडिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था बेटे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक के, तो बेटे क्लोरीन का देखते हैं अपन, किसका देखते हैं क्लोरीन का, देखे तो क्लोरीन पे प्लस सात चार्ज होता है, इस क्लोरीन पे देखे तो प्लस का पांच, इस क्लोरीन पे देखे तो प्लस का एक चार्ज होता है बेटे, तो ये केमिस्ट्री में होता है बेटे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, पी ब्लॉक वाले टॉपिक्स में, तो एसिडिक करेक्टर आपको पूछे, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे, एसिडिक स्ट्रेंथ बेटे ऑक्सीडेशन नंबर के क्या होता है, ऑक्सीकरण अंक होता है बेटे, ऑक्सीकरण होता है जो आवेश आता है ना, आवेश किसी भी एटम पे जो चार्ज होता है, चार्ज को क्या बोलते हैं बेटे, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ज्यादा, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उसका एसिडिक करेक्टर क्या रहेगा, उतना ही ज्यादा रहेगा, तो इसमें पूछा सही नहीं है, करेक्ट नो, करेक्ट नॉट करेक्ट, तो आप सही नहीं है, तो सर प्लस सात प्लस पांच प्लस एक, तो एसिडिक करेक्टर क्या हो गया, ये सही है क्या, लेकिन आपको पूछा क्या सही नहीं है। सेकंड यहां पे देखते हैं बेटे, आयोडीन ब्रोमीन और क्लोरीन, बेटे ये आयोडीन ब्रोमीन और क्लोरीन अप टू डाउन जाएंगे वर्क में, यहाँ पे माना कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन और आयोडीन, तो अप टू डाउन जाएंगे, तो फ्लोरीन का आकार छोटा है, क्लोरीन का बड़ा, ब्रोमीन का और भी बड़ा, और आयोडीन का और भी बड़ा रहेगा, लार्जेस्ट साइज रहेगी, लार्जेस्ट साइज रहेगी तो बेटे बॉन्ड क्या रहेगा, लार्ज बॉन्ड लार्ज रहेगा तो हाइड्रोजन जल्दी टूटेगा क्या, हाँ सर जल्दी टूटेगा, बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो बेटे एसिडिक करेक्टर क्या रहेगा ज्यादा, तो ये करेक्ट भी सही है, ये भी सही है, तो अनकरेक्ट कौन सा आ गया बेटे, बी, अनकरेक्ट कौन सा आ गया, बी। अब सर कैसे आया ये नहीं पता, तो अभी अभी बताया था आपको एसिडिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन अंक के, तो यहाँ पे देखो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, माइनस वन, ऑक्सीजन का माइनस दो और यहाँ नाइट्रोजन का माइनस तीन, तो अनकरेक्ट पूछा है तो आपको किसका आ जाएगा बेटे, एच एफ एच टू और अमोनिया, वो दिक्कत बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटे आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटे, सॉरी बेटे आपके कपड़ों पे घी जम जाए, क्वेश्चन अच्छा पूछा है आपके, बहुत ही आपके घर के संबंधित पूछा है, आपके घर पे संबंधित, जो ये भी एवरीडे लाइफ ऑफ केमिस्ट्री से आया है, दैनिक जीवन में रसायन से आया है, देखो बेटे आपको पूछा है कपड़े पर मक्खन के धब्बे हटाने का सबसे अच्छा विलायक कौन सा है, आपके कपड़ा है कपड़े पे मक्खन का मतलब घी पड़ गया यार आपके, रिमूव वाटर, ये तो बोल देता है घर पे, मानो कि घी आपके ये तेल पड़ गया, तो उसको हटाने के लिए क्या करोगे, सर साबुन लगाएंगे, अरे यार साबुन भी तो क्या काम करता है, तो होता क्या है मक्खन जो होता है, मक्खन बेटे आपके पास दो प्रकार के सोल विलियन होते हैं बेटे, जो एक तो होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर, एक तो होता है ध्रुवीय और एक अध्रुवीय, तो बेटे मैं आपको बात करूं मक्खन अध्रुवीय होता है बेटे, कैसा होता है अध्रुवीय, नॉन पोलर होता है बेटे, कैसा होता है नॉन पोलर, अब ध्यान रखना समान को कौन हटाएगा, समान ही हटाएगा, असमान को असमान नहीं हटा सकता, तो अध्रुवीय को कौन हटा सकता है, नॉन पोलर को कौन हटाएगा, नॉन पोलर ही, तो मैं आपको बात करूं बेटे एथेनॉल, ओल आ गया तो एथेनॉल क्या में क्या आ गया, फंक्शनल ग्रुप OH आ गया क्या, तो जिसके पास लोन पर आ गया वो क्या है बेटे पोलर है क्या, ध्रुवीय,
डाइथाइल इथर, इथर में इसमें भी क्या आ गया बेटे, लोन पेयर आ गया, ये भी क्या है बेटे पोलर है, ये भी क्या है बेटे पोलर ध्रुवीय, जल, जल में भी बेटे ऑक्सीजन पे क्या आ गया लोन पेयर, जिन पे लोन पेयर आ जाता है वो क्या होता है बेटे पोलर, क्या होता है पोलर ध्रुवीय होता है बेटे, कैसा होता है ध्रुवीय। अभी तीन ध्रुवीय है, ये तीन ध्रुवीय ध्रुवीय को हटा सकते हैं क्या, नहीं सर ये अनबैलेंस हो गए, लेकिन क्लोरोफॉर्म जो होता है वो कैसा होता है बेटे नॉन पोलर होता है बेटे, क्या होता है नॉन पोलर अध्रुवीय होता है, क्या होता है बेटे अध्रुवीय, ध्यान रखना अध्रुवीय अध्रुवीय को क्या कर देगा हटा देगा रिमूव कर देगा, तो रिमूव करने वाला कैटलिस्ट पूछा आपको कारक पूछा है तो क्या क्या आ जाएगा बेटे क्लोरोफॉर्म आ जाएगा बेटे, आपको बता दू नॉन पोलर को, जैसे घर पे आपके तेल गिर जाता है कपड़ों पे तो आप साबुन लगाते हो, सर साबुन लगाते हम तो, अरे यार साबुन किसे बनता है तेल से तो बनता है, तेल में क्या होता है नॉन पोलर पार्ट ही तो होता है, नॉन पोलर पार्ट जो ऑयल होता है आपके कपड़ों पे जो गंदगी होती है उसे क्या बनाता है बोन बनाता है, और मिशेल क्रिया के द्वारा क्या होता है मेल को हटाता है बेटे, तो नॉन पोलर क्या कर देगा उस धब्बे को क्या कर देगा रिमूव कर देगा हटा देगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा बेटे क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, निम्न में से जैविक अपघटन बहुलक है विच वन ऑफ द बायो डिजोल्व पॉलीमर है, तो सिंपल है ये तो बायो डिजोल्व पॉलीमर होता है बेटे नायलॉन 26, नायलॉन 26 ध्यान रख लेना नायलॉन 26 होता है बायो डिजोल्व पॉलीमर होता है बेटे, सिंपल क्वेश्चन है बहुत डायरेक्ट पूछा है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके विश आपको पूछा है निम्न में से कौन विश डा हैलाइड का उदाहरण है एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द एग विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ विच डाई हैलाइड, तो बेटे इसको बताऊं आपको बताऊं डाई हैलाइड होता है क्या बेटे, डाई हैलाइड जब कोई भी कार्बनल ग्रुप है तो कोई भी कार्बनल ग्रुप है कार्बनल ग्रुप पे क्या आ जाए एक से ज्यादा दो का हैलोजन आ जाए, कितना हैलोजन आ जाए दो हैलोजन आ जाए उसको बोलते हैं डाई हैलाइड, क्या बोलते हैं बेटे डाई हैलाइड, लेकिन डाई हैलाइड भी अपने पास दो प्रकार के होते हैं एक तो विश और एक होता है बेटे जैम, एक तो विश और एक जैम, सर हमारे को याद कैसे करे बेटे, कभी भी आप मान लो चाय पीते हो घर पे चाय पीते हो तो कैसे करते हो चेस, तो उसी से ध्यान रखो जब पास पास के कार्बन पे हैलोजन हो तो उसको क्या बोलते हैं विश डाइहैलाइड, तो विश डाइहैलाइड क्या आएगा 1,2-dibromoethane, ये शिवानी बेटे कौन सा क्वेश्चन गलत है एक बार बताना कौन सा क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन नंबर बताओ बेटे, बेटे कोई दिक्कत विश का मतलब पास पास। नेक्स्ट चलते हैं बेटे, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है बेटे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये उन्हीं बच्चों से हो पाएगा जिनने रिएक्शन अच्छी तरह पढ़ी है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको पूछा है क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया में कार्बन बननी बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मल ऑफ कार्बन बॉन्ड, इसका कार्बन बॉन्ड का मतलब कार्बन और कार्बन क्या बनाए बेटे बॉन्ड बनाए, कार्बन और कार्बन बॉन्ड बनाए कार्बन और कार्बन जुड़ी रहे इसको बोलते हैं कार्बन बॉन्ड, तो इसमें पूछा कौन नहीं बनाएगा, तो बेटे वुटर्ज, वुटर्ज आया उसने बोला हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराएंगे, तो क्या करेंगे दो मोलिक्यूल तो सोडियम के और दो मोलिक्यूल हेलो एल्केन के, तो क्या बन जाएगा डाई एल्केन बन जाएगा क्या, अब एल्केन में होता है क्या कार्बन ही तो होता है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा है क्या, सर वुटर्स तो काम करता है अपना कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाता है कार्बन कार्बन बॉन्ड बना ले तो ये आंसर नहीं आएगा। सेकंड केनिजारो, केनिजारो में बेटे ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड लेते हो, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड लेते हो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन क्या हो अनप्रेजेंट अनुपस्थित हो, यदि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड दो लेते हो आप इनकी रिएक्शन सांदर कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हो तो क्या बनता है बेटे, इसमें भी कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है बेटे, क्या बनता है कार्बन कार्बन, जो करेक्ट आंसर आएगा उसकी बाथरूम में रायमंड टीमान रिएक्शन आएगी बेटे, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा रायमंड टीमान रिएक्शन आएगी, रायमंड टीमान रिएक्शन में क्या होता है हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हो, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हो तो बनता है बेटे इथर बनता है बेटे, क्या बनता है इथर का फॉर्मेशन होता है, तो इथर के फॉर्मेशन में बेटे ऑक्सीजन और एल्केन के मध्य बंध है,
ऑक्सीजन और एल्केन के मध्य बंध है, लेकिन कार्बन कार्बन के मध्य बंध थोड़ी है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटे, राइमर टीमर रिएक्शन के फोर, राइमर टीमर रिएक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा बेटे, राइमर टीमर रिएक्शन, राइमर टीमर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहेड्रल शेप, चतुष्फल की आकृति कौन सी नहीं है? तो बेटे आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूं, SF4 की नहीं है। तो आपको बता दूं बेटे इसकी क्यों नहीं है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटे sp3d, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटे sp3d। अब सर ये कैसे है, पहले तो वो बता देते हैं बेटे। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता था आपके, हाइब्रिडाइजेशन संकरण निकालने का फॉर्मूला होता था बेटे, कोई भी कंपाउंड है वो कितने कंपाउंडों से मिला हुआ है, तो बेटे सल्फर चार कंपाउंडों से मिला हुआ है, तो चार प्लस सल्फर, सल्फर के खुद के ऑर्बिटल में चार छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, छह में से चार बॉन्ड मिला लिया, बने कितने, चार बॉन्ड मिलाए तो बचे कितने, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन से एक लोन पेयर बनता है बेटे, तो इसमें चार तो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है बेटे, तो टोटल हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू आ जाएगी पांच, संक्रमण होगा बेटे sp3d। तो बाकी सब में हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू है ए बी और डी में हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू चार, तो हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू चार आए तो टेट्राहेड्रल शेप रहेगी, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू क्या आ जाए sp3d आ जाए, लेकिन इसमें भी sp3d आ जाए, यदि यहां पे बंधों की संख्या पांच होती लोन पेयर जीरो होता, बॉन्ड पेयर चार पांच और लोन पेयर जीरो होता, तो शेप होती बेटे त्रिकोणीय द्विपिरामिड, टेट्रागोनल बाइपिरामिड होता, लेकिन यहां पे बॉन्ड कितने हैं चार और लोन पेयर कितना है एक, तो यहां पे शेप रहेगी बेटे सी शेप रहेगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा SF4। नेक्स्ट चलते हैं बेटे, ये आज आपका पेपर पूरा सॉल्यूशन हो गया बेटे। अब गणेश श्याम जी सर आपको मोटिवेट करने आ रहे हैं, मेरे को उम्मीद है कि केमिस्ट्री में 33 के 33 क्वेश्चन आपके सही हो होंगे। आइए सर बच्चों को मोटिवेट कीजिए, अच्छा पेपर हुआ है बच्चों का। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बस दो मिनट के टाइम हो रहा बेटा, सब लोगों को मेरी आवाज शायद आ रही है, आवाज आ रही है ना? ओके, अगेन गुड इवनिंग। और आपने देखा कि ये था पेपर आपका आरयूएचएस का 2022 का, और आप लोगों को आइडिया होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही है कितने गलत है, और मुझे पूरा विश्वास है जो कमेंट्स देख रहा हूँ उस हिसाब से मैक्सिमम बच्चे गुरु नरसिंह एकेडमी के आरयूएचएस के बेहतरीन कॉलेज में जाएंगे, और ये वो कोर्स है जहां पर आपकी जिंदगी बदलने वाली है। यानी बीएससी नर्सिंग अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो आपके आने वाले भविष्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। जो लोग बीएससी नर्सिंग करके नोरसेट में या बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कोर्सेज उनमें एग्जाम देके जाते हैं, उनकी जिंदगी बहुत बेहतरीन होती है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, और आप सब लोग भी उससे कहीं ज्यादा सैलरी आपको आने वाले टाइम में मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने पिछले 3-4-5-6 महीने से लगातार मेहनत की और आज आपने अपनी मेहनत का झंडा गाड़ दिया। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की, और खुशी इस बात की है कि गुरु नर्सिंग एकेडमी के शानदार फैकल्टी, शानदार टीचर ने आपको बहुत अच्छा पढ़ाया। आप देखिए कि आपके बहुत कमेंट्स देख रहा हूं कि सर मेरे 33, 34, 32, 31 इस तरह के नंबर आना बहुत बड़ी, 34 के 34 बायोलॉजी में 34 से 34 नंबर आना बहुत बड़ी बात होती है, पर आप लोगों ने मेहनत की, गुरु नर्सिंग एकेडमी के टीचर्स ने मेहनत की, इसी कारण आज आप लोगों की मिलीजुली मेहनत का नतीजा है कि आपका बेहतरीन रिजल्ट होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। आपने जो गुरु नर्सिंग एकेडमी को प्यार दिया, स्नेह दिया, विश्वास किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभारी हूं। उन्हें आपसे निवेदन करता हूं कि आपने जो पेपर दिया उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है आ जाएगा, स्ट्रेस नहीं लेना है। मैंने कल रात को आप सब लोगों को वॉइस मेल भेजा था कि देखो एग्जाम को एग्जाम के तरीके से लो, उसको दिमाग पे भारी मत होने दो। अगर आपके दिमाग पे भारी होता अगर आज का पेपर तो आपका ये रिजल्ट नहीं रहता, आप रिलैक्स होके पेपर देके आए हो इसलिए आपका रिजल्ट अच्छा रहा है। और अब रिजल्ट तक आप आने वाले रिजल्ट तक आप इंतजार करें, मुझे उम्मीद है आपका सबका बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा सबको। और एक विशेष सूचना जो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के द्वारा बाकी बच्चों को भी मिले, आने वाली 2-3 तारीख को दिवाली के बाद अपना नेक्स्ट ईयर यानी 2023 के लिए बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का नया बैच शुरू कर रहे हैं, वो है 3 नवंबर से मॉर्निंग का बैच होगा, और ये फाउंडेशन बैच है। मतलब इस बैच में
क्योंकि बहुत से बच्चे लास्ट ईयर अब जो बच्चे इस साल बारहवीं में आए हैं, जो पिछले साल ग्यारहवीं में थे, उन्होंने कोविड के दौरान ढंग से पढ़ाई नहीं की। तो जो फाउंडेशन बैच है उसमें 11th और 12th दोनों साल का कोर्स पढ़ाया जाएगा और लगभग 5 महीने का टाइम, 5 से 6 महीने का टाइम लेगा। और यही कोर्स एम्स का होता है, जो एम्स का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है मई जून में, जैसे अब की बार जून में हुआ था, हो सकता है अब की बार मई में हो जाए। तो यही सिलेबस 11th और 12th का एम्स में आएगा। तो जो हमारा नया बैच है 3 नवंबर से, वो फाउंडेशन बैच है, 3 नवंबर से शुरू होगा। उसमें आरयूएचएस के साथ साथ एम्स का कोर्स भी कवर किया जाएगा। सॉरी, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि आपके जूनियर, आपके साथी, जो भी बच्चे बीएससी नर्सिंग आरयूएचएस से करना चाहते हैं, जो गर्ल्स हैं वो एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहती हैं, वो 3 तारीख के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत से बच्चों ने अभी भी रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। तो मेरा पुनः आपसे निवेदन है कि जितने भी आपके साथी लोग हैं, आप लोग पढ़े हो, आपको मालूम है गुरु नर्सिंग एकेडमी कैसा है, कितनी बच्चों के साथ मेहनत करता है, किस तरह की फैकल्टी टीम है, आप अच्छे से जानते हो। आपसे ज्यादा बड़ा कोई ब्रांड एम्बेसडर गुरु नर्सिंग का कोई नहीं हो सकता, आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो। तो मैं चाहता हूं आपसे, मेरा पुनः निवेदन है कि आप अपने जूनियर्स को, अपने साथियों को, जितने भी लोग हैं उनको बताएं कि 3 नवंबर से बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का नया बैच गुरु नर्सिंग एकेडमी में शुरू हो रहा है, आरयूएचएस और एम्स दोनों के लिए। बस ये इंफॉर्मेशन आपको देनी है। उन्हें आप लोगों ने, आज इतने बच्चे आए उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको एडवांस में दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली का जैसा पर्व है, वैसा जिस दिन आपके घर में रिजल्ट आएगा आपका, वैसा ही एक पर्व और हो जाएगा आपके घर में, तो दो दो दिवाली आपके घर में होगी। पुनः आप सभी प्यारे बच्चों को दिवाली की एडवांस में शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आपने गुरु नर्सिंग एकेडमी को इतना प्यार दिया, स्नेह दिया, विश्वास किया, इसके लिए मैं तहे दिल से गुरु नर्सिंग एकेडमी के पूरे टीचर्स की टीम की ओर से, टेक्निकल टीम की ओर से और मेरी ओर से, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।